Hello, hello, hello. Voice clear. Students are joining. Am I visible? Hello, everyone. Good evening, all of you. माई वॉइस इज क्लियर गाइस। ओके हेलो भ्रुवान हेलो हेलो आशा सिंह यार सबसे पहले आपने कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं बोला बुरा न्यूज़ बोला सर बहुत स्लो नहीं जा रहे हम लोग यार बहुत फास्ट जा रहे हैं एक्चुअली स्लो नहीं जा रहे वी आर गोइंग वेरी फास्ट एंड फेबररी फर्स्ट वीक तक आपका फिजिक्स खल्लास हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दिस हेलो एवरीवन हेलो सर कैसे हो मैं ठीक हूँ रुमिनट वेरी गुड इवनिंग आज का लेक्चर क्या होने वाला है एज यू कैन सी हेयर फिजिक्स पार्ट टू स्टार्ट करेंगे जो कि क्या बेटा आपका फिजिक्स पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर आज आपका स्टार्ट करेंगे वेव क्या वेव ऑप्टिक्स चलो पड़ा पढ़ लोग एक बार थम्स अप दिखा दो वेरी गुड नमस्ते बेटा नमस्ते खुश रहो सब लोग आज मजा आने वाला है फटाफट होकर जरा 189 एटी नाइन पीपल्स आर वॉचिंग एंड वन सिक्सटी फाइव थम्स लुकिंग डिट फास्ट आज का चैप्टर बहुत मजेदार है यस द चैप्टर इज फुल्ली एंटरटेनिंग इसमें आज मैं थोड़ा बेसिक से जाने वाला हूं टुडे आई एम गोइंग टू इन फुल बेसिक सो हेयर मैं मोबाइल को सेट कर देता हूं थोड़ा या आफ्टर सेटिंग आई कैन सी योर वन सेकेंड गाइस सब लोग थोड़ा पेन पेपर लेके बैठिएगा बिकॉज कुछ हम बेसिक बातें करेंगे आज ओके okay, तो आई रिक्वेस्ट कि आपके पास पेन पेपर होगा तो मज़ा आएगा अंडस्टोर्ट सो वन सेकेंड या फाइन इसका चार्जिंग लगा दो हेमंत नमस्ते 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 ओके okay. ओके okay. चलो सभी मेरे फैन आ जाओ बच्चों सभी मेरे बच्चा पार्टी आ जाओ कम फास्ट मैंने मोबाइल को चार्ज लगा दिया है एक्चुअली क्या होता है दिन भर काम करते रहो तो मोबाइल को चार्ज करने का मौका नहीं मिलता है हथियार किधर हेमंत हमारा आज का हथियार किधर है फिर जरा धन्यवाद दिस इज इसी से आज हमारा काम होने वाला है ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स पार्ट टू जो कि आपका वेव ऑप्टिक्स क्या बेटा वेव ऑप्टिक्स वेरी गुड सो स्वेट चलो सानिका वेघे धन्यवाद बेटा सब एक बार दिल एक बार सब लोग दिल भेज दो जरा हार्ड भेज दो ताकि दिल बाग बाग हो जाए फिर मजा आए ना एनर्जी आ जाए अंदर से वेरी गुड वेरी गुड गुड थैंक यू बच्चा आयुष थदार युवराज जाधव थैंक यू सैंडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद सो स्वीट ऑफ वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू चलो आप पे टेंशन करो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा रिक्वेस्ट ये है कि ये चैप्टर हालांकि काफी बड़ा है ठीक है चैप्टर काफी बड़ा है तो इसके हम काफी डिटेल में थेरी लेने वाले और क्योंकि इस चैप्टर में कुछ आपको बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि बेसिक अगर क्योंकि स्टार्ट है चैप्टर का दिस इज चैप्टर ऑफ पार्ट टू पार्ट टू का स्टार्टिंग है ये। आपका बहुत अच्छे से पार्ट वन हमने खत्म कर दिया है पार्ट टू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे बेसिक बातें करेंगे तो जिससे आपको पार्ट टू में इंटरेस्ट आ जाए एक बार आपको पार्ट टू में इंटरेस्ट आ जाएगा जैसे हमने फिजिक्स पार्ट वन के अच्छे से खत्म किए लेके वैसे आपको फिजिक्स पार्ट टू में भी इंटरेस्ट आ जाएगा तो आज का जो लेक्चर होगा ज़्यादातर बेसिक लेक्चर होगा और इसमें हम कुछ ज़्यादा बेसिक बातें करेंगे चैप्टर से रिलेटेड ही सब कुछ रहेगा ठीक है तो टेंशन मत लीजिएगा फुल मजा आएगा और कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो मैं मुंह से बोलूंगा शायद यहाँ पर लिखा ना हो लेकिन वो चीजें आप क्या कर सकते हो नोट डाउन कर सकते हो बिकॉज सुनी हुई चीजें जल्दी भूल जाती है लेकिन लिख लिख लोगे तो वो कभी भी आप भूल जाओगे तो उसको लिखे रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने यहां पर इसको नोट डाउन किया था तो उसको फिर से आप क्या ध्यान दोगे तो आपको क्या हो जाएगा वो क्लिक हो जाएगा राइट राइटोर दिस या सो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास पेन कॉपी है तो उसको लेके बैठिए कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा उसको आपको नोट कर लेना ठीक है मजा आने वाला चैप्टर तो तो क्योंकि पार्ट टू भाई लाइट और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है लेकिन जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट लाइट ये पूरा लाइट के ऊपर है ठीक है पार्ट टू किसके बारे में बात करता है फिजिक्स पार्ट टू फिजिक्स पार्ट टू पूरा लाइट के बारे में या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मतलब मैग्नेट लाइट और मैग्नेट के ऊपर बात करता है कौन फिजिक्स टू फिजिक्स टू जो होता है वो हमेशा इन्हीं चीजों पर बेस रहता है ठीक है तो आज हमारा फिजिक्स पार्ट टू का वेव ऑप्टिक्स से स्टार्टिंग हो रहा है तो हम कुछ बेसिक बातों पे लेके चलेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट गाइस 400 people पीपल आर यार आज आपका सेशन ग्रैंड होना चाहिए यार आज इतना बढ़िया से वेलकम करना है पार्ट टू का कि मजा आ जाना चाहिए तो जितने लोग आओ सबसे पहले दरवाजे में नॉक करने से थम्सअप बजाओ ठीक है जितने पीपल वॉचिंग उतना थम्सअप दुखिंग दिखना चाहिए स्टार्ट करते हैं बाय अजय दुबे सर वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स प्यारा सा कंसेप्ट है बहुत बढ़िया नोट्स बनाए आपके लिए इसको आप फटाक से रिवाइज कर सकते हो रिविजन परपस के लिए नोट्स बहुत जबरदस्त है ठीक है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया सबसे पहले बात करेंगे बड़ा सबसे पहले हमारा जो टारगेट है मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करूं इससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा क्या बात करूंगा बेसिक बातें ठीक है ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए चलो बेसिक बातें करता हूं वी विल टॉक सम बेसिक ओके चलो यहां पर चैप्टर नंबर सेवन है ऑप्टिक्स तो यह चैप्टर में कुछ बेसिक बातें करेंगे क्या करेंगे बेसिक ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिक इंफॉर्मेशन क्योंकि सबसे पहले बेसिक अगर आपको पता रहेगा फिर आगे आपको फटाफट इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों को बेसिक ही नहीं पता रहता है तो बड़े बड़े सॉल्व सम को सॉल्व करने में दिक्कत पड़ता है वो उसमें फिर इंटरेस्ट उनका क्रिएट नहीं हो पाता है सबसे पहले हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है ठीक है और चूंकि चैप्टर हमारा है लाइट के ऊपर ये ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेटा ये ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट क्या होता है लाइट रिलेटेड लाइट रिलेटेड लाइट लाइट से रिलेटेड ठीक है तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले हमारे ध्यान में यह चीज आना चाहिए कि लाइट होता क्या है लाइट होता क्या है ठीक है तो भाई लाइट क्या होता है बेसिक इंफॉर्मेशन लाइट लाइट क्या होता है लाइट होता है नेचुरल अनेचुरल अचुरल नेचुरल फिनोमिन

विजिबल होता है लाइट अगर अपसेंट हो जाए लाइट अगर अपसेंट हो जाए तो वहां पर आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी अगर मैं थोड़ा डिटेल में और डीप में आऊ ना तो लाइट जितना इंपॉर्टेंट लाइट है ध्यान दीजिएगा जितना इंपॉर्टेंट लाइट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या होता है पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं पार्टिकल्स जिसे कहते हैं लाइट पार्टिकल क्या कहते हैं लाइट पार्टिकल्स ये ये अगर देखो अगर आपको लाइट का मजा चाहिए अगर लाइट आपको क्या चाहिए विजिबल चाहिए क्या चाहिए विजिबल चाहिए अगर आपको लाइट विजिबल चाहिए तो बेटा ध्यान दीजिएगा ये होना ही होना चाहिए लाइट पार्टिकल्स को बोल सकते हो आप एक तरीके से आप जो पार्टिकल्स रहते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स माइन्यूट पार्टिकल्स जो रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो आपके एटमोसफेयर में डस्ट की तरह या फिर बहुत छोटे छोटे एटम्स की तरह रहते हैं जो हमारे हर जगह पे फैले हुए हैं तो वो पार्टिकल्स होना बहुत जरूरी है लाइट आपको विजुअल तभी दिखेगा जब ये प्रेजेंट रहेंगे ये मतलब ये माइनर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्यार से लाइट पार्टिकल्स कहते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे मतलब एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे तभी लाइट आपको क्या होगा विजुअल होगा अगर ये अगर अबसेंट हो गए लाइट पार्टिकल अपसेंट हो गए मतलब लाइट पार्टिकल नहीं है मान लो जो स्टूडियो में मैं लेक्चर ले रहा हूं और स्टूडियो में लाइट पार्टिकल है ही नहीं तो भाई साहब यहां पर आपको बिल्कुल लाइट नहीं दिखाई देगा लाइट होते हुए भी आपको लाइट विजिबल नहीं दिखाई देगा क्या बात करो सर अभी तो आप मुझे दिखाई दे रहे हो क्यों दिखाई दे रहे हो क्योंकि यहां पर लाइट पार्टिकल्स हैं सर लाइट पार्टिकल दिखते कैसे हैं ने एक बार देखना है बड़े जोर का देखना है मैंने सुना बहुत कुछ है सर लाइट पार्टिकल्स के बाद देखा नहीं है बेटा जी आप अपने आंखों से देख नहीं सकते सच्ची बता रहे हो आप उसको अपने आंख से नहीं देख सकते क्यों नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही बहुत ही क्या होते हैं माइन्यूट होते हैं माइंड मतलब समझते हो छोटे क्या होते हैं छोटे मतलब स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन हाँ वो हमारे अगल बगल प्रेजेंट हैं और बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हैं उन्हीं के वजह से लाइट जो होता है आपको क्या दिखाई देता है विजुअल दिखाई देता है क्या दिखाई देता है विजुअल अंडरस्टूड और नॉट तो भाई लाइट अगर विजिबल दिखाई देता है बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स के ऊपर दिखाई देता है अंडरस्टूड अगर पार्टिकल्स नहीं रहेंगे अगर पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो लाइट होते हुए भी आपको लाइट नहीं दिखाई देगा वहां पे अंधेरा दिखाई देगा आप लाइट को जज नहीं कर पाओगे कि, कि लाइट 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 यहां हो रहा है, लाइट यहां जल रहा है ये रहा है जल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको सर ऐसा क्या रीजन है कि आपको स्पेस आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा सर ऐसा क्या रीजन है कि जब स्पेस को देखते हैं तो स्पेस आपको काला काला दिखाई देता है ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है प्यार से ब्लैक होल कहते हैं क्योंकि स्पेस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वैक्यूम प्लेस है क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं है ये पार्टिकल्स जो होते हैं वहां पर अपसेंट है और पार्टिकल अपसेंट है जिसके वजह से वहां पर लाइट विजिबल नहीं होता क्योंकि वहां पे पार्टिकल अपसेंट है इसलिए वहां पे लाइट विजिबल नहीं होता ये बात ध्यान रखिएगा सर क्या रीजन है कि धरती मैया पे लाइट पहुंचते यहाँ पर उजाला हो जाता है यहाँ पर लाइट विजिबल हो जाता है क्योंकि तो हमारे अर्थ का खुद का एक एटमोस्फेर है और उस एटमोस में पार्टिकल्स का मात्रा बहुत है और वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसे हम लाइट पार्टिकल्स कहते हैं एंड दो पार्टिकल्स हेल्प टू लाइट फॉर विजिबल उसको स्कैटरिंग होने में मदद करते हैं दिस इज ओनली रीजन की अर्थ पर जब सन का लाइट आता है रेज आता है तो अर्थ पे रोशनी मतलब हर जगह पे उजाला हो जाता है क्योंकि हमारे अर्थ का खुद का एटमोसफियर है उसके पास लाइट पार्टिकल्स हैं सर so, जो स्पेस में कोई प्लेनेट ऐसा है जहां पर समझो एटमोसफेयर है ही नहीं उसका अगर एटमोसफियर है भी लेकिन उसके पास पार्टिकल्स नहीं तो क्या वहां पर लाइट विजिबल होगा अगर वहां पार्टिकल्स नहीं है तो वहां पर लाइट विजिबल नहीं होगा कतई नहीं होगा क्योंकि तो लाइट जो विजिबिलिटी होता है लाइट का पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है जब सन्नी भाई से लाइट आता है सन्नी भाई से जब लाइट आता है ऐसे 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 तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है पार्टिकल्स पे पड़ता है और पार्टिकल्स पे पड़ते ही वो पार्टिकल रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं और वही रिफ्लेक्शन की वजह से हर जगह पे उजाला हो जाता है ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए दीज आर द वेरी बेसिक थिंग दैट शुड नो पीपल आपको पता होना चाहिए दैट इज वॉट द रीजन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ लाइट के बारे में समझा मेरी बात तो ये चीज आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड आपको समझ में आ रहा होगा लाइट के बारे में लाइट तभी विजिबल होगा जब पार्टिकल्स रहेंगे लाइट विजिबल नहीं होगा अगर पार्टिकल हमारे आसपास दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि लाइट को जो विजिबल बनाते हैं पार्टिकल्स बनाते हैं लाइट पड़ते ही वो पार्टिकल चमकने लगते हैं वही चमकने की वजह से क्या हो जाता है हमें हर जगह पे क्या होता है उजाला दिखाई देता है और यही चीज वैक्यूम में नहीं होता है यही चीज जो आपको पता है स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वैक्यूम स्पेस है क्यों क्योंकि वहां पार्टिकल्स नहीं है और पार्टिकल नहीं होने की वजह से वहां पर हमें वो चीजें विजिबल नहीं दिखाई देती अंधेरा अंधेरा दिखाई देता दिस इज द ओनली रीजन सर अगर सर स्पेस का आधा से ज्यादा हिस्सा और वैक्यूम स्पेस है तो लाइट हम तक पहुंचता कैसे है लाइट कोई को रोक नहीं पाएगा लाइट आएगा लेकिन लाइट आपको दिखाई नहीं देगा पार्टिकल्स अगर नहीं है ठीक है फिर भी लाइट आता है हम पे स्पेस से होके आता है लाइट

तो इसी सब चीजों पे आज हमारा पूरा मजेदार लेक्चर होने वाला है तो इतना जो मैंने बताया कैसे लगा कमेंट बताओ इतना मैंने बताया कितना लगा कैसे लगा इतना जो इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा बेटा कितना कैसा लगा आपको इंफॉर्मेशन हाउ यू फीलिंग दैट गैस से मजा आएगा इस ये समझा सबको इंफॉर्मेशन लाइट के बारे में चल तो लाइट एक क्या होता है नेचुरल फिनोमेना होता है जिसके वजह से आपको हर चीज क्या होता है विजिबल होता है और विजिबल तभी होगा माय डियर जब आपके सराउंड में क्या रहेगा लाइट पार्टिकल्स रहेगा क्या रहेगा लाइट पार्टिकल्स रहेगा तभी आपको हर चीज क्या होगा विजिबल होगा अगर ये नहीं है तो ये आपको विजिबल नहीं होगा लाइट आएगा लेकिन आपको विजिबल नहीं होगा अगर ये नहीं है लेकिन अगर लाइट आ रहा है और लाइट पार्टिकल्स हैं, तब ये आपको विजिबल होगा आपको हर चीज दिखाई देगा ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है तो लाइट के ऊपर ये जितना इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं या जो भी हम इंफॉर्मेशन लाइट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं क्या है? भगवान दिए हैं भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम तक कौन पहुंचाया है ये सब इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट लोगों ने पहुंचाया उन्होंने उस विषय पे क्या किया है काफी स्टडी किया है तो लाइट का जो इतना सब बोरा सा जो बवंडर है लाइट के बारे में जो बताया गया है लाइट को किसी अकेले ने आइडेंटिफाई नहीं किया है लाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत से साइंटिस्टों ने क्या किया है वर्क डन किया है भाई बहुत लोगों ने काम किया है लाइट के बारे में अगर सबसे पहले कोई उंगली किया था कुछ बताने के लिए तो सबसे पहले कौन हो सकता है बताओ जरा सबसे पहला बंदा कौन होगा जिसको हर जगह पे अपना कुछ ना कुछ काम करना जरूरी था गैस करो बताओ सबसे पहले अगर कोई आया था लाइट को छेड़ने के लिए भाई साहब कौन आया था बताओ आप लोग क्या बता रहे होके सबसे पहले अगर कोई आया था लाइट को छेड़ने के लिए वेरी गुड वेरी गुड सबसे पहले आया था न्यूटन क्या आया था बड़ा न्यूटन आया था कौन आया था न्यूटन वेरी गुड बहुत लोगों ने न्यूटन को बोला है बहुत लोगों ने न्यूटन को बोला है यस 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 वेरी गुड एक सेकेंड थोड़ा फोन आ रहा है भाई एक सेकेंड नौ no. या सबसे पहले अगर लाइट को किसी ने छेड़ा था लाइट को लाइट के ऊपर कोई स्टडी करना शुरू किया था ध्यान दीजिएगा ये बहुत बेसिक चीज है अगर लाइट को सबसे पहले किसी ने छेड़ा था तो छेड़ने वाले बंदे का सबसे पहला नाम है बहुत लोग छेड़ा बहुत लोगों ने छेड़ा है सबसे पहले बात करूंगा सबसे पहले वाला बंदा जो था न्यूटन था कौन था न्यूटन न्यूटन मतलब सर आइशक न्यूटन प्यार से बोलो यार ये अंकल जी है हमारे और ये तो हमारे फिजिक्स के पप्पा ने लगभग हर एक चीज में फिजिक्स की उंगली किया मतलब हर जगह पे उन्होंने कुछ ना कुछ कंसेप्ट बताए ही not नॉट अ boy बॉय पर्सन बोल सकते हो भाई ये अपने बचपन से ही तूफानी था और इन्होंने बहुत से जगहों पे अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए हैं और इन्हीं के वजह से फिजिक्स में इतना मजा आया है तो फिजिक्स में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ था तो सबसे बड़ा हाथ किसका था न्यूटन का था न्यूटन ने ही लाइट के ऊपर सबसे पहले कुछ बाउंडर मचाया था और लाइट के कंसेप्ट को लेकर आया था अंकल ने अगर साइंटिस्ट के हिसाब से बात कर रहे तो वैसे वेद और पुराण के बारे में बात करें एज पर हिंदू संस्कृति एंड सनातन धर्म तो ये बहुत पहले आ गया था जब अंकल के पप्पा मम्मी भी नहीं हुआ करते थे बहुत पहले आ गया था बिकॉज हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है तो ये चीज देखा जाए लेकिन दुनिया है क्रिश्चियनिटी को ज्यादा पॉपुलर कर दिया इसकी वजह से हमें हर चीज उनका ही मानना पड़ता है लेकिन अगर बात करें हमारे धर्म के हिसाब से वेद पुराण के धर्म के हिसाब से तो इसको बहुत पहले बता दिया गया था लाइट में क्या क्या होता है हर साल वो बात बताने की जरूरत नहीं फिलहाल क्योंकि वो सब चीजें आपको बुक में लिखना भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए एज फॉर नॉलेज क्योंकि हमारा कल्चर बहुत पुराना है इंडियन कल्चर इज वेरी 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 ओल्ड कल्चर तो फिलहाल से बात करते हैं क्रिश्चियनिटी कल्चर से जो कि आपका कॉमन कल्चर है आज की दुनिया में जो कि पढ़ना ही पड़ेगा आपको न्यूटन अंकल ने लाइट के बारे में सबसे पहले बताया और लाइट के बारे में इन्होंने बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स लाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स अंकल ने बताया था भाई साहब अंकल ने बताया था लाइट में पार्टिकल्स पाए जाते हैं लाइट में पार्टिकल मतलब लाइट पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है और उन्हीं पार्टिकल्स के बल पर क्या करता है वो ट्रैवल करता है ऐसा कौन बताया था न्यूटन अंकल ने बताया था अंकल का कहना था कि लाइट को अगर पार्टिकल नहीं मिलेगा तो वो वो नहीं होगा और वो अच्छे से प्रोपागेट नहीं कर पाएगा ये अंकल ने बताया था और अंकल ने ही इन पार्टिकल्स का नाम रखा था कॉर्पस्कुलर थे रखा था क्या रखा था कॉर्पस्कुलर थे मतलब कॉर्पस्कल अंकल ने जो जो लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं लाइट पार्टिकल्स कहते हैं उन्हीं को ही क्या कहा था कॉर्पस्कल्स कहा था उसका नाम रखा था कॉर्पस्कल तो पार्टिकल्स को उन्होंने नेमिंग किया था क्या नाम किया था कॉर्पस्कल नाम दिया था कॉर्पस्कल्स कॉर्पस्कल्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स कहते हैं कॉर्पस्कल्स को ठीक है जिसे कहते हैं कणिकाएं ठीक है तो ये लाइट के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बात किया था तो अंकल ने बात किया था जरूरी नहीं है कि अंकल ने छेड़ा है तो पूरी तरह से छेड़ देंगे पूरी तरह से पूरा कंक्लूजन निकाल देंगे नहीं इन्होंने स्टार्ट तो किया था लेकिन कुछ जगहों पे जाके ये क्या हो गए थे फेल हो गए थे ठीक है स्टार्ट तो किया था लेकिन कुछ जगहों पे जाके ये फेल हो गए थे इनका कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको बता देता हूं इन्होंने बताया लाइट में पार्टिकल्स होते हैं बराबर इन्होंने बताया लाइट स्टेट ट्रेवल करता है वो भी बराबर है इन्होंने बताया था कि लाइट जब प्रोपागेट करता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करता है वो भी बरोबर है इन्होंने बताया था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करता है लेकिन हा एक जगह पर इन्होंने गलती कर दी थी बताओ क्या गलती की थी इन्होंने गलती की थी कि इन्होंने बताया कि लाइट जो होता है वो डेंसर मीडियम में फास्ट ट्रैवल करता है और रेयर मीडियम में स्लो ट्रैवल करता है यहां पर क्या कर दिया मिस्टेक कर दिया था ठीक है भाई गलतियां सबसे होती हैं ठीक है इंसान है तो गलती हो गई गलती से ही करेक्शन होता है ना नॉट तो इन्होंने गलती हो गया मिस्टेक हो गया भाई मिस्टेक यह हो गया कि इन्होंने बोला कि लाइट जो होता है वो डेंसर मीडियम में फास्ट होता है स्पीड ऑफ जो लाइट होता है स्पीड ऑफ लाइट ज फास्ट इन डेंसर मीडियम देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इन्होंने बताया था सी मतलब कौन बोला था अंकल ने बोला था जो कि यह रॉन्ग था जो कि यह क्या हो गया था रॉन्ग हो गया था आप ही मुझे बताओ आप ही बताओ कि यह रॉन्ग था कि राइट था सर मुझे कैसे पता मैं अंकल थोड़ी हूं अरे भाई अंकल इन्हों के अज्जो सर के स्टूडेंट तो हो आप बता सकते हो आप बता दोगे मुझे रेयर मीडियम मतलब होता है जहां पार्टिकल्स फ्री रहे और डेंसर मीडियम होता है जहां पार्टिकल बहुत हार्ड रहे ज्यादा पार्टिकल्स रहे ठीक है तो उन्होंने बताया था जहां बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होता है वहां लाइट का स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है और जहां कम पार्टिकल रहता है वहां पर लाइट का स्पीड क्या हो जाता है स्लो हो जाता है ऐसा अंकल ने बताया था चलो मैं एक छोटा सा डेमो देता हूं डेमो देख के बताना मेरा ठीक है डेमो देखो आप डेमो देख के बताओ वर्ट इज रॉन्ग 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 क्या है वट इज रॉन्ग गाइस ए गाइस वू राइट रॉन्ग रॉन्ग मतलब क्या रॉन्ग मतलब क्या रॉन्ग मतलब क्या कहना चाहते हो? Okay सर आपने तो बोला ना सर क्या बोलना चाहते हो वेट 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 लिसन यहां मैं क्या बोल रहा हूं चैट इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है ठीक है आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए आप चैट पे कम वहां पे रॉन्ग रॉन्ग का मतलब क्या है हा तो इन्होंने बोला था ऐसा इन्होंने बोला था स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ये अज्जू भाई नहीं बोल रहा है भाई डोंट थिंक ऑन मी कि ये सर बोल रहे हैं ये सब कौन बोल रहा है अंकल ने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बेटा जी वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है कंपेयर टू रेयर मीडियम लेकिन ये क्या हो गया था रॉन्ग हो गया था क्या हो गया था ये रॉन्ग हो गया था आगे चल के मतलब एक तरीके से ड्रॉबैक आ गया था अब इस ड्रॉबैक को मैं आपको रिजॉल्व करता हूं जैसे कि मान लो एक आपको एग्जाम्पल देता हूं आपके पास दो केस है आपके पास दो केस है केस, 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 केस वन केस वन केस टू केस टू ठीक है बेटा केस वन केस टू ये आपका एयर मीडियम है, मतलब समझते हो फ्री मीडियम है ये फ्री मीडियम है और ये आपका वाटर मीडियम है कैसा मीडिया वाटर मीडियम है दो मीडियम मैंने लिया है ठीक है ये खुला मैदान है खुला समझते हो खुला मैदान खुला मैदान मतलब ओपन ग्राउंड है और ये, ये समझ लो कोई पानी है कोई समझ लो कि समुंदर है समुंदर ओके सी है बेटा क्या है सी ओशियन ऐसा मान लो कि महासागर सागर कुछ भी है तो मैं आपको केस दे रहा हूं यहां पर अपना अंडिया है ओके okay. और यहां पे भी अपना यहां पर मान लो आंडिया यहां पर बांडिया है यहां पर बांडिया है और यहां पर बांडिया है ठीक है यहां पर ध्यान दो यहां अंडिया और बांडिया और दोनों के बीच में मैं रेस करा रहा हूं क्या कर रहा हूं रेस करा रहा हूं दोनों के बीच में रेस कराऊंगा तो आप मुझे बताओ देख के सबसे तेज ये भागेगा कि सबसे तेज बांडिया भागेगा क्योंकि आंडिया हमारा खुले मैदान में भाग रहे हैं मतलब ओपन ग्राउंड में भाग रहे हैं और बांडिया हमारा ये पानी में दौड़ रहा है बताओ सबसे तेज कौन दौड़ेगा सबसे तेज कौन दौड़ेगा आंडिया दौड़ेगा कि बांडिया दौड़ेगा मी गाइस फास्ट सबसे पहले सबसे तेज कौन दौड़ेगा आंडिया की बांडिया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आंडिया सबसे ज्यादा तेज दौड़ेगा क्यों क्योंकि ये खुले में दौड़ रहा है ओपन ग्राउंड में दौड़ रहा है इसको रजिस्ट करने वाला कोई नहीं है कोई नहीं है लेकिन ये भाई साहब ये दौड़ेगा तो तेज लेकिन इसको रोकने के लिए कौन है यहां पे भीड़ लगा हुआ है किसका भीड़ लगा हुआ है वाटर पार्टिकल्स का और वाटर पार्टिकल एयर पार्टिकल से काफी नजदीक रहते हैं डेंस रहते हैं तो यहां पर बाडिया चाहते हुए भी उतना तेज दौड़ नहीं पाएगा ठीक है लेकिन अंकल जी का यहां पर हो गया सटक गया अंकल जी मतलब न्यूटन जी हमारे यहां पर बोल बैठे कि भाई साहब वाटर मीडियम में मतलब डेंस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वाटर मीडियम में क्या होता है बहुत फास्ट होता है क्या होता है फास्ट होता है कौन बोल रहा है अंकल जी बोल रहे न्यूटन अंकल और इसने ने ने बोला कि इधर जो एयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है स्लो होता है क्या होता है स्लो होता है जो कि ये क्या था रॉन्ग स्टेटमेंट था कैसा था रॉन्ग स्टेटमेंट था अनस्टूडन लॉट आप ही बताओ कौन ज्यादा रहेगा हमेशा ध्यान देने से जो करेक्ट इसको करेक्ट किसने किया था तो इसके जो पीछे जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इसको क्या किया था करेक्ट किया था अंकल के इस मिस्टेक को करेक्ट करने का, का काम इसके पीछे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने किया उन्होंने अंकल की सभी चीज़ें को पढ़ा जहां जहां पे उनको लगा कि अंकल ने सही बोला है उसको राइट किया और जहां पे लगा कि अंकल से मिस्टेक हो गया है उसको उन्होंने करेक्ट किया समझा तो सोचो दूसरा साइंटिस्ट कौन आया था दूसरा साइंटिस्ट जो आया था बेटा आपका बता दू हाइजन अंकल आए थे, थे? थे. थे? क्रिस्टियन हाइजन ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है रेयर मीडियम में ग्रेटर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम तो इन्होंने इस मिस्टेक को यहां पर क्या किया क्ट किया okay. इन्होंने बहुत इसने कुछ नया चीज खोजा इन्होंने बोला कि हाँ मैं अंकल की बात से सहमत हूं कि लाइट में पार्टिकल्स पाया जाता है इन्होंने बोला हाँ मैं सहमत हूं कि अंकल ने जो बताया लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है मैं एग्री करता हूं इन्होंने सब कुछ एग्री किया अंकल का अंकल का सब कुछ ठीक ठाक था बस यही पर उन्होंने मिस्टेक कर दिया था तो जो चीजें सही थी उसके ऊपर हाइजन ने कुछ अपना ओपिनियन नहीं दिया बोला ठीक है अंकल ने बोला राइट है तो उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया लाइट जैसे पार्टिकल कंसिस्ट करता है वैसे लाइट वेव फॉर्म में चलता है तो उन्होंने कुछ नया बताया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव इन्होंने क्या बताया था नया नया ये बताया था कि लाइट जो होता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इज फॉर्म ऑफ वेव लाइट जो होता है वेव का फॉर्म है किसका फॉर्म बेटा वेव का फॉर्म है इन्होंने कुछ नया बताया हाइजन ने आके बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव इन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन ये सब चीजें क्या किया एक्सप्लेन किया क्या एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस क्या एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन ये सब चीज इन्होंने क्या किया इन्होंने सक्सेस किया सक्सेस समझते हो मतलब का क्या था अचीवमेंट था क्या था बेटा अचीवमेंट था सक्सेस हो गया लेकिन इन्होंने एक मिस्टेक कर दिया आगे चल के मिस्टेक भी कर दिया था मतलब इनसे भी गलती हो गई भाई गलती सबसे होती है इन्होंने मिस्टेक कर दी मिस्टेक ये की कि, कि इन्होंने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव लेकिन बोला विच वेव सबने बोला विच वेव क्योंकि अलग अलग टाइप है तो उन्होंने बोला लॉन्जीटनल वेव कौन सा वेव रहा लॉन्जीट्यूडिनल वेव लॉन्जीट्यूडनल वेव इन्होंने मिस्टेक यहां कर दी कि इन्होंने लाइट वेव को क्या बता दिया इन्होंने लाइट वेव को उन्होंने नाम दे दिया लाइट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव लेकिन भाई साहब यही तो गलती कर दिया उन्होंने बता दिया कि लॉन्जिटनल वेव होता है लेकिन लाइट होता क्या है लाइट होता है ट्रांसवर्स वेव अच्छा इसको करेक्ट किसने किया इनके जो पीछे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने करेक्ट किया तो इनके पीछे जो तीसरे साइंटिस्ट आए थे उनका नाम क्या था फिर तीसरा जो साइंटिस्ट आया था उनका नाम था बेटा जी मैक्सवेल नाम था क्या नाम था मैक्सवेल क्या नाम था मैक्सवेल मैक्सवेल ने इनका जो मिस्टेक था कौन सा मिस्टेक कौन सा मिस्टेक लॉन्जिटूडनल पोलराइजेशन के ऊपर उन्होंने वहां पर मिस्टेक किया था तो मैक्सवेल ने उसको करेक्ट किया और उन्होंने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना कि लॉन्जिटनल वेव तो यहां इन्होंने आके करेक्शन किया थर्ड साइंटिस्ट थे ये तीसरे साइंटिस्ट थे तो इन्होंने आके करेक्शन कर दिया और इन्होंने ही मतलब इन्होंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह होता है जिसका नेचर जो होता है क्या बेटा नेचर चलने का वो किस तरह रहता है ट्रांसवर्स रहता है क्या रहता है ट्रांसवर्स ओके okay, क्या था बड़ा? रहता है बेटा ट्रांसवर्स रहता है ओके तो ट्रांसफर भी बताया था इन्होंने बताया था कि लाइट जब फॉर्म ऑफ चलने का ऐसा दिखता है ऐसा ऐसा दिखता है स्ट्रेट चलता है लेकिन ऐसा ऐसा चलता है जिसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं और यही वो बंदा था मैक्सिमल बंदा था जिन्होंने क्या किया था जिन्होंने रिलेशन बताया था फाइंड रिलेशन फाइंड रिलेशन किसके बीच में बिटवीन वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने रिलेशन बताया था क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मतलब उन्हें बताया था लाइट में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाया जाता है इन्होंने ही बताया था आगे चल के इन्होंने ही स्पीड ऑफ लाइट खोजने का फॉर्मूला दिया था जो फॉर्मूला आपका है c इक्वल टू न्यू लेमडा ये फॉर्मूला दिया था c इक्वल टू न्यू लेमडा जहां पर c जो है बेटा जी स्पीड ऑफ लाइट होता है और स्पीड ऑफ क्या होता है बेटा लाइट होता है ये और जो न्यू होता है वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है और लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है क्या होता है बेटा वेवलेंथ होता है और इन्होंने कैलकुलेट करके सी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू बताया था जो कि थ्री इंटू टेन दावर एट मीटर पर सेकेंड होता है ये बताया था स्पीड ऑफ लाइट तो ये बेटा बहुत कमाल के बंदे थे इनको कोई नॉर्मल बंदा मत समझना और ये वो वैक्सीबल नहीं जो मैक्सिमल आप समझ रहे हो वो ग्लैड मैक्सिमल क्रिकेटर ना 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 ये भाई साइंटिस्ट हैं ये ठीक है तो डोंट कंपेयर दैट बंदा विद दिस बंदा इन्होंने भाई फिजिक्स में बड़े बड़े छक्के मारे ठीक है तो ये आए थे तो इनसे भी कुछ मिस्टेक हो गया सर अब सब सब मिस्टेक करे थे हाँ भाई मिस्टेक होगा तो तुम्हें करेक्शन होगा ना ये सुनो तो इन्होंने भी लाइट के बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन देके फिर चले गए एक मिस्टेक करके गए थे इन्होंने सब सबने पूछा आप इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के के बेस पर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और रमन इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट को क्या करो एक्सप्लेन करके बताओ तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे तो इनका क्या हो गया था मिस्टेक हो गया मिस्टेक इनका क्या था बेटा मिस्टेक मिस्टेक कहां के थी ये? क्या था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था एक्चुअली जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं समझ लो मेरा अगला साइंटिस्ट में नाम जोड़ देना <laughs> मस्ती कर रहा हूं ठीक है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा इसको बोलते हैं द इमेजन ऑफ द लाइट क्या होता है बेटा द इमेजन ऑफ लाइट फ्रॉम द फ्रॉम दी मेटल सरफेस मेटल सरफेस वेन सुटेबल अमाउंट ऑफ लाइट ओके फॉलिंग ऑन इट इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इमेजन ऑफ द लाइट फ्रॉम द मेटल सरफेस अमाउंट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट मैं समझाता हूं ये बहुत अच्छा है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूं ये मान लो अपने सन्नी भाई हैं कौन बेटा सन्नी भाई द ग्रेट सन्नी ठीक है और सन्नी भाई का आप सबको काम पता ही हर तरफ क्या मारते रहते हैं निगाहें मारते रहते हैं इनका काम है लाइट मारना लाइट मारना मान लो ऐसे लाइट आ रही सन्नी भाई जाग रहे ले थे और ऐसे रोशनी मार मारेले थे और रोशनी आके आया किसके ऊपर सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर ये कोई मेटल सरफेस मान लो कोई क्या मान लो मेटल सरफेस मान लो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट दिया है कहां पर दिया है सर अरे केटीजी में दिया था केटीजी में दिया था तो बेटा जब सन का जब लाइट जो रेज होता है जब रेज आता है और रेज में क्या रहता है हीट रहता है क्या रहता है हीट रहता है तो जब हीट आता है तो इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स रहते हैं जो मजे लेते रहते हैं ठंडी का तो उनके बीच में क्या हो जाता है आग लग जाता है क्या लग जाता है आग लग जाता है उनकी दुनिया में जो मजा रहता है मजा क्या हो जाता है बेकार हो जाता है तो जो पार्टिकल्स रहते हैं यहां पर मेटल पे जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसके सॉलिड मेटल के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि यहां पर गर्मी आ जाती है क्या जाती है हायरे गर्मी गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने से जो यहां के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या हो जाते हैं बेटा डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई बोलते हड्डी सन्नी भाई उनके बीच में इतना बवाल मचा देते हैं कि उनकी दुनिया में आग लग जाता है गर्मा गर्मी हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्बेंस के वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इतने कमजोर रहते हैं जो गर्मा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और चुपचाप अपने सरफेस को ऐसे छोड़ देते हैं हम तो चले अपने देश सबको राम राम अपना सरफेस छोड़ के टाटा बाइबर क्या कर लेते हैं इमिशन कर देते हैं इमिशन समझते हो सरफेस को छोड़ देते हैं सरफेस को

फीलिंग करते हैं और किसी ना किसी तरीके से वो सरफेस को छोड़ने लगते हैं और कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कहते हैं हैं ज्यादा डिटेल में हमारे मैक्सल अंकल बता नहीं पाए थे होता आपका फोटो इलेक्टिक इफेक्ट तो कैसा गाइस समझ आ रहा है क्या सबको समझा गाइस सबको तो समझा गाइस मजा आ रहा है गाइस मजा आ रहा है गाइस मजा आ रहा है एनर्जी लग रहा है गाइस आपको भी एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आपको मजा आए तो हार्ट में जो हार्ट हार्ड में जरा हार्ट मजा आ रहा है तो हार्ट सो करो अपना मैंने तो दिल दे दिया भाई इसको आप भी अपना दिल दो जरा फिजिक्स को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वेरी गुड ओके भाई फिजिक्स पार्टी बहुत मजेदार है बस पढ़ाने वाला चाहिए ठीक है Understood? तो इस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन बोलो कौन मैक्सवेल ओके अंडरस्टूड अक्का सर मैक्सवेल को जो मिस्टेक था फोटो इलेक्ट्रिक इफीड उसको एक्सप्लेन किसने किया था उसको एक्सप्लेन किया था नए साइंटिस्ट जो नाइन साइंटिस्ट नंबर फोर थे कौन से क्या बोलो बताओ अगला साइंटिस्ट बताओ बेटा अलग बताओ फटा से मैंने तो हिंट दे दिया है अगला साइंटिस्ट कौन हो सकता है जिन्होंने पूरी तरह पांच साइंटिस्ट थे पांच साइंटिस्ट अब हम कहा पहुंचे चौथा पहुंचे वेरी गुड वेरी गुड प्लैंक्स थे बेटा प्लैंक्स प्लैक्स थे आ जाती है अगला साइंटिस्ट कौन थे प्लैंक्स थे कौन से प्लैंक्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो प्लैंक्स का जाता है कंसेप्ट प्लैंक्स देखो प्लैंक्स आपको देखो प्लैंक्स आपको ए भी दिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं भी लिखा मिलेगा प्लैंक ए भी दिखा मिलेगा दोनों चूज कर लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो उसको ले घबराना मत जैसे कि आपको पता है कलर का स्पेलिंग सी ओ एल ओ आर होता है और कहीं पर ओ एल ओ आर होता है सब राइट होता है तो कुछ लोग प्लैंक्स लिखते हैं कुछ लोग प्लैंक्स लिखते हैं प्लैंक की बात प्लैंक की बात कर रहे हैं प्लैंक्स जो थे हमारे चौथे साइंटिस्ट थे कौन से थे चौथे साइंटिस्ट थे कौन से बड़ा चौथे साइंटिस्ट थे ये yes no sure ये हमारे चौथे साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही क्या एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया और उसके बाद इन्होंने कुछ और नया बताया नया बताया क्या बताया कुछ और नया बताया कुछ और कुछ और भी बताया कुछ और भी बताया अब आप सोच रहे होंगे क्या बताया इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं भाई साहब जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के ऊपर सर कौन से पार्टिकल अरे वही पार्टिकल वही पार्टिकल जिस पार्टिकल के ऊपर न्यूटन ने बात किया था तो उन्होंने बोला जो पार्टिकल्स होते हैं अगर वो पार्टिकल्स नजदीक आ जाएं और क्या बना लें पैकेट्स बना लें ग्रुप बना ठीक है तो अगर पार्टिकल्स ग्रुप बना लेते हैं तो वो जो एनर्जी डेवलप होता है तो उस एनर्जी से हम बहुत से काम कर सकते हैं और उस एनर्जी का उन्होंने नाम दिया था क्या नाम दिया था फोटोन एनर्जी नाम दिया था क्या नाम दिया था फोटोन फोटोन बोलो या फिर बोलो क्या बोलो क्वा इन्होंने क्वांटाइजेशन के ऊपर बात किया था उन्होंने बताया था कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं बेटा लाइट पार्टिकल्स लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं अगर लाइट पार्टिकल्स ग्रुप में आ जाए किसमें आ जाए ग्रुप में आ जाए ग्रुप में आ जाए अगर लाइट पार्टिकल किसी में आ जाए ग्रुप में आ जाए तो एक एक क्या हो जाता है एक बहुत बड़ा एनर्जी तैयार होता है बहुत बड़ा तो क्या हो जाता है बहुत बड़ा बहुत बड़ा एनर्जी तैयार होता है एनर्जी बनता है क्या बनता है बहुत बड़ा एनर्जी बनता है और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं उसी एनर्जी को क्या कहते हैं फोटोन एनर्जी कहते हैं क्या कहते हैं फोटोन एनर्जी बोलो या फिर आप कह सकते हो क्वांटा एनर्जी क्या बोलो क्वांटा एनर्जी क्वांटा बोलो फोटो एनर्जी बोलो या फिर क्वांटम एनर्जी बोलो ये किसने बताया प्लैंक्स ने बताया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करके इन्होंने बताया था जब लाइट पार्टिकल हर एक लाइट पार्टिकल्स के पास एनर्जी होता है अगर हर लाइट पार्टिकल्स के एनर्जी को मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा एनर्जी बन जाता है और उसे हम कहते हैं फोटोन एनर्जी या फिर क्वा एनर्जी और अच्छे से बताओ तो समझ लो हर एक पार्टिकल्स के पास अंकल ने बताया कौन प्लाइंस अंकल ने बताया कि हर पार्टिकल्स के पास क्या होता है बेटा जी पावर होता है अगर बहुत से पार्टिकल्स को एक साथ ले आ जाए तो सबका पावर मिला के पावर हाउस बन जाएगा और उसी पावर को उन्होंने नाम दिया था कॉन्टा या फिर फोटोन एनर्जी बोल सकते हो तो सबने बोला ठीक है सबने बोला ठीक है लेकिन अगर उस एनर्जी को मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो उन्होंने बोला ले फॉर्मूला भी दे देता हूं तो लगे हाथ उन्होंने क्या दिया फॉर्मूला भी दे दिया था और फॉर्मूला दिया था इक्वल टू एच न्यू ये फॉर्मूला दिया था उन्होंने बोला ये फॉर्मूला यूज कर करना तेरे को एनर्जी निकल जाएगा तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था इस फॉर्मूले के बद पे आप एनर्जी पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स में जो एनर्जी होता है उसको आप निकाल सकते हो इन्होंने ये बताया था तो सर ई e क्या है e एच क्या है प्लैंग है फ्रीक्वेंसी है? है तो इससे आप क्या कर सकते हो आप वैल्यू निकाल सकते हो इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया था ओके okay, सर मतलब बहुत बवाला मचाया क्या मतलब लाइट के ऊपर हाँ बेटा जी लाइट को इतनी जल्दी किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत साइंटिस्ट आए थे ये सुनो वी e नहीं है ये वी नहीं है बी ऐसा होता है ऐसा ये न्यू है ऐसा बनता है ऐसा न्यू न्यू कहते फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है सबको समझा गया सबको समझा मजा आ रहा है गैस सबको मजा आ रहा है गैस मजा आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके फाइन सर इसकी कोई वैल्यू क्योंकि तो इसका वैल्यू अलग अलग पार्टिकल का अलग निकलता है इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं क्योंकि पार्टिकल अलग अलग, अलग साइज के होते हैं इसका लेकिन का वैल्यू उन्होंने बताया बताया था था जूल ऐसा कुछ एनर्जी उसको आप चेक कर लीजिएगा अगला करते बेटा प्लान प्लान किस चीज में अनसक्सेसफुल हुए थे प्लान भी अनसक्सेसफुल हुए थे इनका भी कुछ मिस्टेक्स था इनके भी कुछ मिस्टेक्स थे भाई साहब इनके भी कुछ मिस्टेक्स थे मिस्टेक इन्होंने भी किया था मिस्टेक इन्होंने भी किया था ये तो सक्सेस स्टोरी हो गया मिस्टेक भी थे मिस्टेक क्या थे इन्होंने क्या मिस्टेक कर दिया इन्होंने मिस्टेक ये कर दिया कि इन्होंने इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन इस सब के ऊपर एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाए क्योंकि लेकिन हा लेकिन कौन लेकिन हमारे जो हाइजन थे उन्होंने दे दिया था उन्होंने वेब नेचर बता के उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था लेकिन ये नहीं दे पाए थे ठीक है अपने थ्योरी के हिसाब से फिर अगला कौन आएगा सर अगला आ रहा है बता देता हूं अगला जो बंदा आता है उसका नाम है गैस करो गाइस अगला कौन आ सकता है गैस करो बताओ जल्दी फिर लिखता हूं मैं लवकर लवकर जल्दी जल्दी अरे भाई साहब हार्ट बाद में आइंस्टीन नहीं 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 डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली आएंगे ब्रॉगली आए थे कौन आए थे डी ब्रॉगली ये पांचवे साइंटिस्ट है कौन था डी ब्रॉगली आए थे कौन आया था डी ब्रॉगली ठीक है डी ब्रॉगली ने क्या किया बड़े दूर से सब

अंकल ने बोला मुझे ऐसा लग रहा है लाइट दो नेचर लेके चलता है लाइट में दो नेचर होता है मतलब लाइट में ड्यूअल नेचर होता है एक होता है पार्टिकल नेचर क्या होता है पार्टिकल नेचर ऑफ़ लाइट और एक होता है वेव नेचर ऑफ लाइट वेव नेचर ऑफ लाइट मतलब इन्होंने किसके ऊपर बात किया था डुएल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात किया था किसके बारे में डुवेल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डुल नेचर ऑफ लाइट

और उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया था वेवलेंथ वगैरह के ऊपर इन्होंने बताया था डी ब्रॉगली के फॉर्मूला के हिसाब से ठीक है फॉर्मूला के, के हिसाब से उन्होंने बताया था कि भाई साहब जो एच अपॉन पी होता है लेमडा इक्वल टू ठीक है मतलब एच यहां पर रहता है प्लैंक्स रहता है क्या रहता है प्लैंक्स ओके और पी क्या रहता है मोमेंटम रहता है और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है पी इक्वल टू यम बी होता है तो लेमडावल टू एच अपॉन एम बी यह फॉर्मूला भी किसने चिपकाया था डी ब्रोगली ने चिपकाया था ठीक है तो उन्होंने कुछ नया फॉर्मूला दिया कि लाइट जब ट्रैवल करता है उसका वेवलेंथ वगैरह तो निकालना है तो कितना तरीके से निकाल सकते सकता है उसके तो मोमेंटम पे डिपेंड करेगा तो ये सब चीजें उन्होंने क्या किया था बता दिया था तो इसके बाद इसके बाद आइंस्टीन आए थे इसके बाद कौन आए थे आइंस्टीन आए थे उन्होंने कौन सा बताया था याद है आपको कौन सा बताया था आइंस्टीन का मुझे बताना पड़े बताओ बताओ आइंस्टीन आइंस्टीन के बाद और कौन आया था बांडे आया था सर बक बांडे क्यों आएगा वहां पर मतलब डी रॉगली के बाद आइंस्टीन जी आ गए थे थी, ठीक है आइंस्टीन क्या बताए तो बताओ या सर इसका फेलियर क्या है सर इसका फेलियर मतलब समझते ड्रॉबैक ड्रॉबैक मतलब कहां पर अनसक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने रिलेटिविटी ऑफ लाइट के बारे में नहीं बता पाए थे इन्होंने रिलेटिविटी ऑफ लाइट के बारे में बता नहीं पाए थे तो रिलेटिविटी ऑफ लाइट के बारे में बताने का काम कुछ ने किया था हमारे प्यारे हमारे सबसे दुलारे हमसे सबसे द ग्रेट हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था उन्होंने एक ही फॉर्मूले में पूरा तबाही मजा डाला था और उस फॉर्मूले का नाम था ईक्वल टू एम सी स्क्वायर जो कि मोस्ट फेमस है ये रिलेटिविटी ऑफ लाइट के बारे में बात करता है और ये नस जो आइंस्टीन थे जो हमारे आइंस्टीन थे बेटा आइंस्टीन जो थे हमारे भाई साहब आइंस्टीन जो हमारे छठा साइंटिस्ट थे ये ये आइंस्टीन ने फॉर्मूला दे के मामला गर्म कर दिया और ये इतने लॉजिकल बंदे थे यही वो बंदा था भाई साहब जिसके वजह से आज पूरी दुनिया डर के माहौल में जी रही है कौन सा डर सर कौन सा डर यही आइंस्टीन अंकल ने आइंस्टीन साहब ने क्या किया पता है आइंस्टीन ने एटम बम बना दिया था क्या बना दिया था बम बना दिया था बम बनाने के वजह से क्या हो गया आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है हरे दिन पाकिस्तान मुंह उठा के बोलता है हम आइटम बम दाग देंगे हम आइटम बम दाग देंगे अरे चिरपुर तेरे पास आइटम बम बनाने का जीवाड़ है क्या तेरे पास तो हर बंदा एक, एक बंदा एक एक बंदा टेरिस बनता है तेरे पास साइंटिस्ट है क्या ऐसे कोई भी अगर बना देगा तो है अल्बर्ट आइंस्टीन की बेजती नहीं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलता है मेरे पास आइटम बम है तेरे पास फुस्की बम भी नहीं है चिरकोट कुछ भी मत बोल तो भाई इसने आइटम बम बना दिया आइटम बम दुनिया के लिए बहुत डेंजर है अच्छा भी होता है न्यूक्लियर लेकिन खराब भी होता है खराब अगर देखना है तो हिस्ट्री पढ़ लो हिरोसीमा और ठीक है हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ था ना बम अटैक अमेरिका ने किया था जापान पे ये सोन लो बहुत तहलका मचाया था उसका इफेक्ट आज भी वहां के लोगों को पड़ रहा है पूरी वहां का पूरा स्पेस ही पूरा खत्म हो गया था तो वेरी डेंजरस तो ये बहुत माइंडेड थे इन्होंने ई इक्वल टू का फॉर्मूला खर्च करके पूरा तहलका मचा दिया था सबको समझा गाइस सबको समझा गाइस सबको समझा गाइस मजा आया मजा आया तो यहां पर मैं आपका बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन जो था चैप्टर का मैंने आपको खत्म कर दिया अब मैं आपको आऊंगा चैप्टर के अंदर कहां पे आऊंगा चैप्टर के अंदर आऊंगा तो कैसा रहा बेसिक आप लोग के लिए बेसिक कैसा रहा बेसिक बताओ जरा लाइट का बेसिक इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा आप लोग को फटाक से बताओ मजा आएगा इस बेसिक इंफॉर्मेशन मजा आया कि नहीं आया सबको मजा आया कि नहीं आया सबको मजा आएगा इस झक्का झक्का क्या बोलता पब्लिक समझ में आया क्या वाह 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 क्या बात है अब चैप्टर में आ जाएं क्या अब जब बेसिक इंफॉर्मेशन जब चैप्टर खोलेंगे भाई तो अच्छे से लेंगे ना समझ के लेंगे कि नहीं लेंगे अगर अपने को बेसिक पता है भाई साहब अपने को तो भाई मैथ जैसे जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब्ट्रैक्शन, एडिशन फ्रैक्शन करना फ्रैक्टाइजेशन करना अगर ये सब चीजें जो बेसिक चीजें मैथ्स की आती है तो आपको मैथ्स आसान लगे कि नहीं लगेगा मतलब कोई भी चीज अगर आपको आसान लगना है तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए तो चैप्टर की हमने बेसिक ले ली है तो चैप्टर मजा आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे मजा आया कि नहीं आएगा चैप्टर मजा आया कि नहीं आएगा बाबू समझ में आया ए बाबू समझ में आया लला सबको समझा बेटा चलो चैप्टर के लेने के तैयार हो बेटा चलो धन्यवाद धन्यवाद चलो अब चैप्टर में आ जाते हैं हा, हा अब यहां से आपका चैप्टर होने जा रहा है शुरू रेडी गाइज ओके 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 चलो देखो कितना लोगों ने ठोकाई किया देख लो भाई कितना लोगों ने थम्सअप मारा है यार क्या गुंडा बनोगे फाइव जीरो नाइन इतना एनर्जी फाड़ फाड़ के चिल्लाया था भाई क्या गुंडा बनोगे आप लोग हा जिन्होंने थमसम ने थमसम फटाख से अब मैं थोड़ा पानी ग्रहण कर लेता हूं ताकि थोड़ा एनर्जी आ जाए उसके बाद भाई चैप्टर की धुलाई करेंगे अच्छे से आप लोग भाई पानी पी लो भाई पानी पियोगे तभी पानी, पानी निकालोगे अच्छे से पसीने के रूप में आ? अभी तो पसीना गिरेगा पसीना कब गिरेगा आज अपन पानी पिए रहेंगे यह सुनो लगना चाहिए ना सर मेहनत कर रहे पसीना दिखना चाहिए ना यह सुनो चलो पानी पी लो फटाफट मजा, मजा आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्लास से पानी पियो बिस्लरी में क्या रखा है माँ बाप की सेवा करो लड़की में क्या रखा है वाह वाह भाई वाह वाह वैसे ही माँ ग्लास का पानी पियो बिस्लरी में क्या रखा है माँ मा बाप की सेवा करो लड़कों में क्या रखा है लड़कियां बोल सकती भाई लड़कियों में आपके फेवर में भी वहां ऐसी बात नहीं वेरी गुड बहुत अच्छा मारा आनंद ने आपने वेरी गुड चलो रेडी रेडी गाइस ओके आपन तैयार हो आपन तैयार हो गया देखो वार करने के लिए चलो 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 स्टार्ट करते हैं शुरू चलो वेव ऑप्टिक्स आपके क्लास ट्वेल्थ का पार्ट फिजिक्स पार्ट टू का ये आपका पहला चैप्टर है जिसमें आज हम चैप्टर के बहुत अच्छे से लेने वाले हैं फुल आपको मजा आने वाला है भाई फुल मजा आने वाला है तो कंसेप्ट पहले देखते हैं फटाक से कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है ये जो ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऑप्टिक्स जो होता है ऑप्टिक्स पहले छोड़ो आ, भाई देखो रफ कर देता है उसको भाई, रफ हो जा रफ हो जा रफ हो जा हाँ पहले वेव ऑप्टिक्स है ना

जो होता है वो पार्टिकल कंसिस्ट करता है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते बना वो पार्टिकल लाइट जो होता है पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल आगे चल के जब ग्रुप बन जाता है तो फोटोन कहते हैं और फोटोन किस रूप में आगे बढ़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ता है तो मैंने अभी तक क्या देखा मैंने आपको बताया ऑप्टिक्स 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 क्या होता है इसका लाइट होता है ऑप्टिक्स मतलब लाइट होता है इसमें क्या रहता है एनर्जी रहता है वो क्या होता है ये लाइट पार्टिकल से डील करता है लाइट पार्टिकल्स से डील करता है लाइट पार्टिकल से डील करने के बाद क्या करता है वो ग्रुप में आता है ग्रुप में क्या बनाता है फोटोन बनाता है फिर क्या होता है प्रोपेगेट करता है क्या करता है प्रोपेगेट्स मतलब क्या होता है चलता है प्रोपेगेट मतलब क्या होता है चलता है चलता है किसके फॉर्म में चलता है E -wave के फॉर्म में चलता है किसके फॉर्म में e -wave के फॉर्म में और में लेते है, को गाई गाई? ये चलो अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स का फिर से ऑप्टिक्स दो टाइप का होता है और डिटेल देख लो कुछ और डिटेल कुछ और डिटेल ठीक है ऑप्टिक्स दो टाइप का होता है एक वेव ऑप्टिक्स होता है ठीक है थीके? एक होता है रे ऑप्टिक्स एक होता है वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स वह लाइट होता है इसमें लाइट क्या होता है स्ट्रेट चलता है सीधा चलता है ऐसा चलता है रे ऑप्टिक्स में लाइट सीधा ऐसा चलता है ऐसा ठीक है लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है इसमें क्या होता है लाइट सीधा तो चलता है लेकिन वेव के फॉर्म में चलता है सीधा ठीक है तो इसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं मतलब लाइट अगर वेव के फॉर्म में चल रहा है सीधा ठीक है

ठीक है सिर्फ इतना ही नहीं होता भाई ये तो अंकल ने बताया था और भी कुछ चीजें होती हैं वो लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत साइंटिस्ट आए थे कौन कौन आया था पहला न्यूटन आए थे पहला कौन आया था न्यूटन आए थे फिर कौन आया था हाइजन आए थे फिर कौन आए थे फिर मैक्सवेल आए थे फिर कौन आए थे? थे, थे प्लैंक्स आए थे फिर कौन आए थे डी रॉगली आए थे फिर कौन आए थे बेटा फिर अपना आए थे आइंस्टीन अंकल ये yes नो तो बहुत से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः लोगों ने मिलकर लिए अच्छे से लाइट के बारे में ठीक है इंफॉर्मेशन तो आपको पता होना चाहिए सबने अपना अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया था तो लाइट हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है लेकिन हम इस चैप्टर अकेले एक ही चैप्टर में सब कुछ पढ़ लेंगे तो भाई एक ही चैप्टर में आपका फिजिक्स पार्ट टू खत्म हो जाएगा नहीं ना तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कुछ अगले चैप्टर में दिया है कुछ अगले चैप्टर में, में दिया है कुछ अगले चैप्टर में दिया है सब डिवाइड करके इन्फॉर्मेशन दिए गए ठीक है तो घबराना नहीं है आपने सबसे पहले ठीक है चलो आ जाओ तो यहां बात करूं लाइट किसके बारे में बात करता है तो लाइट बात करता है बेसिक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें होती है इसके बारे में लाइट बात करता है जैसे कि इंटरफेरेंस के बारे में बात करता है डायफ्लेक्शन के बारे में बात करता है फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में बात करता है सुपर पोजिशन के बारे में बात करता है ऐसे बहुत सी दुनिया भर की चीजें हैं जिसके बारे में लाइट क्या करता है बात करता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों ये सुनो आर गेटिंग नो नॉट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है द लाइट इज कंसिस्टिंग अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के साथ साथ इज ऑल्सो डीलिंग विद इंटरफ्रैक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेरी गुड वेरी गुड ओके okay, मुझे बताओ लेक्चर इंग्लिश में चाहिए कि हिंदी में चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूं चाहिए क्योंकि यहां पर आकांक्षा जी का फरमान है सर अंग्रेजी में लेक्चर लो पूरा आप मुझे बताओ आई एम रेडी फॉर वाइज क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जो बच्चे देख रहे हैं हर कोई मुंबई से नहीं देख रहा है कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं सम पीपल्स आर बिलोंग फ्रॉम विलेज साइड नो सो आई दे आर इंग्लिश विल बी कम कमजोर ये माइंड भी वीक हो सकता है द रीजन आई एम नॉट नॉट यूजिंग यूजिंग मच मच एंड आवर टीम इज इंग्लिश हिंदी 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 मिक्स ठीक है ठीक है ओके ओके ओके, ओके देखो देखो यहां पर ज्यादा परसेंट में देखा है सेवेंटी परसेंट लोगों ने हिंदी बोला है और थर्टी परसेंट लोगों ने इंग्लिश के लिए अच्छे से समझ के तो भाई ऐसा आपका मिला जुखा कुछ रिस्पांस आया है तो मैं क्या करता हूं पता है रिमिक्स करता हूं क्या करता हूं रिमिक्स करता हूं आजकल कर रिमिक्स का जमाना डीजे डीजे ठीक है तो आप रिमिक्स करेंगे आज मतलब मोस्टली रिमिक्स ही रहेगा ओके okay. फाइन 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 कोई बोला सर भोजप्रीम बताओ <laughs> अच्छा नाउ अगला बता रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबको पता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है जैसे कि मान लो यहां पर देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो देखो जरा यहां पर ये यह मान लो ये मान लो अपने सूर्या भाई हैं सन्नी हैं कौन है सन्नी जी हैं सन्नी सन्नी समझते वो सन्नी नहीं वो सन्नी नहीं सन्नी भाई ठीक है तो अपने सन्नी भाई क्या करते पता है हर जगह पे लाइट क्या करते मारते मान इनका एक लाइट ऐसे 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 आ रहा है और यहां पर टकरार है यहां पर तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और के फिर वैसे मीडियम में चला जाता है जितने एंगल पे आया तो उतने एंगल पे चला जाता है आई एंगल इक्वल टू आर एंगल के साथ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं लाइट आया सरफेस से टकराया सरफेस से टकरा के फिर से उसी मीडियम में चला गया मैंने क्या किया था दो मीडियम बनाए एक एक ये ये ऊपर वाला मीडियम आपका क्या है म्यू मतलब ये आपका एयर मीडियम है ठीक है और निच्चू वाला मीडियम आपका म्यू टू है जो कि आप वाटर ले सकते हो या फिर आप ग्लास ले सकते हो कैन टेक वाटर एंड ग्लास गाइस ठीक है तो इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड आफ्टर after incidenting again coming back to the same medium and this is called what does it call is called reflection of light yes or no the returning of light the returning of the light on the same medium is called reflection of light maan lo sunny bhai ka light aise aa raha tha टकराया और same medium में चला गया सन्नी light आया टकराया फिर उसी medium में चला गया उप्पु आया। उप्पु चला गया ऐसे कहते reflection कहते हैं। क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं और रिफ्लेक्शन में हमेशा याद रखना एंगल आई हमेशा क्या होता है होता है इंसिडेंट ऑफ लाइट क्या कहते हैं इंसिडेंट एंगल क्या कहते हैं इंसिडेंट एंगल कहते हैं और ये एंगल इस एंगल के साथ मतलब रिफ्लेक्टिंग एंगल के साथ क्या रहता है हमेशा इक्वल रहता है मतलब जितने एंगल पे लाइट आता है उतने एंगल पे लाइट जाता है वो आता है चला जाता है सन्नी कहलाता है ओके चलो तो इसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ध्यान दीजिएगा ठीक है ऊपर का मीडियम मैंने क्या लिया था एयर लिया था जो कि क्या होता है मीडियम होता है नीचे का मीडियम मैंने क्या लिया था डेंसर जो कि क्या होता है ग्लास और वाटर मीडियम ले सकते हो ठीक है हार्ड मीडियम रहता है अगला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओके रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता गाइस ऐसे बहुत गर्मी आ रही बड़े जोर की गर्मी आ रही okay. है ये मान लो ये मान लो ये हमारा क्या है? कोई सरफेस है प्लेन सरफेस क्या बेटा प्लेन सरफेस ठीक है यह प्लेन सरफेस है और उस प्लेन सरफेस पे समझ लो यहाँ पर हमारा है सौर्स है हमारा सोर्स सोर्स ऑफ लाइट है सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या होता है बेटा सन सन मतलब समझते सन, सन्नी भाई ठीक है तो भाई सन्नी भाई का पता है लाइट मारते समझ लाइट ऐसे आ रहा है लाइट टकरा के और टकरा के सपोज सेकेंड मीडियम में चला गया सेकेंड मीडियम में ऐसा चला गया इस मीडियम से लाइट आके अगर लाइट इस मीडियम में चला जाता है फ्रॉम मीडियम वन मीडियम वन से आपके अगर मीडियम टू में लाइट चला जाता है तो लाइट के इस लफड़े को क्या कहते हैं लाइट के इस लफड़े को हम कहते हैं लाइट रिफ्रेक्शन कर रहा है क्या कर रहा है बेटा लाइट इज डूइंग रिफ्रेक्शन लाइट रिफ्रेक्शन कर रहा है लाइट रिफ्रेक्शन कर रहे हैं बच्चों कब पता चलता है लेकिन हां इस केस में एंगल आई इक्वल नहीं होगा एंगल आर के इसमें इक्वल नहीं होता तो क्योंकि यहां पर बेंडिंग हो जाता है क्या हो जाता है बेंडिंग हो जाता है लाइट बेंड हो जाता है इसलिए इक्वल नहीं रहता है सर ये कौन सा आर है ये आर का नाम है रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बोल सकते हो क्या बोल सकते हो एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन था रिफ्रैक्शन पहले वाला कौन सा एंगल था पहले वाले में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था उसके एल एल लगे थे मतलब रिफ्लेक्शन इसमें इसके आर लगे हैं रिफ्रैक्शन ठीक है तो ध्यान दीजिएगा दोनों आर से सिंबोलाइज लेकिन अलग अलग है वो रिफ्लेक्शन था और ये रिफ्रैक्शन है बच्चों ठीक है ध्यान दीजिएगा दिस इज रिफ्रैक्शन और इस केस में ये एंगल एंगल इक्वल नहीं होते तो भाई ध्यान दो मेन द लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड गोइंग टू द सेकेंड मीडियम एंड दिसोम ऑफ लाइट इज कॉल रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट सबको बच्चों सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको समझ में आ रहा है बच्चों सबको समझा गाइस मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है मजा आ रहा है गाइस और गाइस एंजॉयिंग दिस सबको मजा आ रहा है गाइस कि नहीं आ रहा है हाँ बोलो यार अरे गाइस एंजॉयिंग और नॉट कसा गाइस पब्लिक चला लवकर सांगा वेरी गुड अरे वेरी गुड वेरी गुड सुपर सुपर वाह 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 क्या बात है बहुत हार्ड बहुत हार्ड क्या बोलते पब्लिक सुपर चलो अगला लेंगे सम बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है क्या क्या बताया है? ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था क्या कर दिया था लाइट हमेशा चलता है, बहुत चिंदी बात है बचपन से जानता हूं लाइट प्रोपर गेट इन दम ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जब लाइट चलता है प्रोपर का मतलब होता है चलना क्या होता है बेटा चलना होता है चलना समझते हो ट्रेवल करना क्या होता है बेटा ट्रैवल करना ट्रैवल करना ठीक है ट्रैवल ट्रैवल चलना ठीक है जो लाइट जब चलता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन भी करता है बचपन से पता है सर थर्ड लाइट प्रोपोगेट विद वेव दैट इज ट्रांसफर्स इन नेचर कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट जो चलता है वो वेव के फॉर्म में चलता है और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी पता है वेरी गुड सर आपको भी पता होगा वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज फास्टर मीडियम कर दिया था, था, था बचपन से पता है तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चों को पहले से पता है आपको कॉन्फिडेंस आया होगा ना कॉन्फिडेंस इसलिए आगे आपको ये बेसिक पहले पता चल गया था इसलिए कॉन्फिडेंस आ गया यही होता है बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का पहले का ठीक है मजा सबको मजा बच्चों मजा आ गया इस मजा आ रहा है चलो ओके राजकुमार साहू राजे जा बेटा तू तो पोगो खेल पोगो खेल बच्चा लगता है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा से उठाए लग रहा है तू हां तो समझ में नहीं आ रहा है मुंह धोके भाई आ जाए पहले जाके चेहरा देख ले ते सो के जाग रहा है कि जाग के सो रहा है चलो वेव नेचर क्या होता है बेटा वेव नेचर क्या होता है वेव नेचर वेव नेचर, वेव नेचर वेव नेचर बच्चों चलो अगला लेंगे बेटा वेव नेचर वेव नेचर किसके बारे में दो वेव नेचर मतलब <coughs> वेव नेचर मतलब वेव कैसे होता है क्या करता है वेव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इस, इस टॉपिक के बारे में प्रकाश डाला था किसने डाला था पता है क्रिश्चियन हाइजन ने डाला था किसने डाला था क्रिश्चियन हाइजन ने हाइजन ने वेव नेचर के ऊपर बवाला किया था ठीक है और उसका उद्देश्य क्या था कैसे पता चला कि लाइट वेव है और कौन बताया पहले वेव नेचर का मतलब क्या है वेव नेचर के कंसेप्ट में हमें यह जानना है वेव नेचर में क्या बताया पता है, पता है? वेव नेचर जब आप पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि किसने बताया था कि लाइट वेव है और कैसे लाइट वेव ट्रैवल करता है यह सब के बारे में पता चलेगा जब आप क्या पढ़ोगे वेव नेचर पढ़ोगे मतलब मैंने इसका सीक्रेट बता दिया कि वेव नेचर पढ़ोगे तो आपको क्या क्या पता चलने वाला है लाइट वेव को किसने बताया था यह पता चलने वाला है और ये कैसे चलता है इसके बारे में आपको पता चलने वाला है तो इसका सीक्रेट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर हिंट दे दिया दिस इज द हिंट ये होता है ट्रिक यह आपको हिंट यहीं पे मिल गया है किसके अंदर इसी इसी इस, चीप के बारे में आपको पढ़ना है चलो वेरी गुड गाइज ओके नाउ वेरी गुड वेरी गुड ओके ओके नाउ अगला नहीं बेटा देखो देखो पर पहला पॉंट, पहला पॉंट. Christian ने जब वेव नेचर के बारे में बताना शुरू किया तो पहला क्या क्या बताया पहला क्या बताया पहला था जनाब ने ध्यान दीजिएगा जनाब ने क्या बोला पहला क्रिश्चियन है, Christian, C मतलब Christian, पर C मतलब Christian है. बताओ देखो क्लियर दिख रहा है सी मतलब होता है क्रिश्चियन क्रिश्चियन हाइजन सेट दैट वेव कॉज बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अंकल ने बताया लाइट वेव है और वेव कब बनता है जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और पार्टिकल वाइब्रेट कब करते हैं जब पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं ऐसा उन्होंने बताया था दिया है एज यू सेट दैट की लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव लेकिन वेब बनता कैसे तुमने बताया जब लाइट क्या होता है वाइब्रेशन करता है लाइट में वाइब्रेशन आता है उसके पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो लाइट जो वो पार्टिकल्स रहता है वो वेव के फॉर्म में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाते हैं इसलिए उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया था सेकेंड पॉइंट उन्हें क्या बताया था लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम ही हाइपोथेटिकल मीडियम आल्सो कॉल्ड एज मीडियम बट इट वाज फेल इन्होंने बताया था बेटा कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है जी हाँ लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है वो ट्रैवल कर सकता है लेकिन वैक्यूम मीडियम में आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते इन्होंने बताया था अपने मन से एक होता ना अजमसन कर लेना अपने मन से मान लेना तो उन्होंने एक अपने मन से एक मीडियम मान लिया था उस मीडियम का नाम था ईथर मीडियम हाइपोथेटिकल मीडियम हाइपोथेटिकल मीडियम मतलब उसे कहते मीडियम माना था लेकिन वो मीडियम क्या हो गया था फेल हो गया था उन्होंने बोला था कि एक ऐसा मीडियम है यूनिवर्स में जिसके वजह ऐसा मीडियम भी है यूनिवर्स में जिसमें लाइट का आ, मतलब हमेशा लाइट ट्रेवल करता है विथ सेम वेलोसिटी सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी

फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव एंड दिस वेव इज जनरेट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल फर्स्ट पॉइंट क्लियर सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम दी वैक्यूम और उन्होंने थर्ड पॉइंट सेकेंड पॉइंट में यह भी बताया था कि लाइट लाइट ट्रैवल एक हाइपोथेटिकल मीडियम में करता है जहां पर उसका सब कुछ क्या हो सकता है सेम हो सकता है लेकिन उनका ये एजमसुन क्या हो गया था रॉन्ग हो गया था क्योंकि तो उन्होंने अपने मन से ऐसा मीडियम करके बताया था मीडियम का कोई अस्तित्व नहीं ऐसा कोई ओरिजिन ही नहीं है तो ये सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बताया था हाइपोथेटिकल वाला ये रॉन्ग बताया था हाइपोथेटिकल मतलब होता है ऐसा मीडियम जहां पर लाइट का सब कुछ क्या हो इक्वल हो लेकिन ऐसा कुछ चीज है ही नहीं दुनिया में कोई चीज इक्वल है क्या नहीं हमारे फिंगर दिख रहे हैं क्या फिंगर हमारे

तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा तो ये था लाइट नेचर के बारे में वेब नेचर के बारे में तो बेब नेचर के बारे में पहला पॉइंट अंकल ने क्या बोला कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेब दूसरा पॉइंट बोल सकते हो वेव जनरेट ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल गेट डिस्टर्ब तीसरा पॉइंट बोल सकते हो लाइट कैन ट्रैवल फ्रॉम द वैक्यूम मीडियम चौथा पॉइंट बोल सकते हो हाइजीन अज्यूम दैट एनी हाइपोथेटिकल मीडियम वेयर द लाइट वेलोसिटी स्पीड एंड एम्पलीट्यूड एवरीथिंग इज सेम बट व्हेन व्हेन इन प्रैक्टिकल इज इट्स इट्स नथिंग अनफॉर्चुनेटलीजन इट इज व्हाट फेल इट इज नॉट सक्सेस उसके बाद बोल सकते हो हाइजन आल्सो एक्सप्लेन वॉट हाइजन आल्सो एक्सप्लेन दैट द ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन एंड मेनी मोर एंड हाइजन आल्सो एक्सप्लेन दैट टर्म रिलेटेड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट द लाइट कंसिस्ट लाइटिंट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वेन इट पासिस फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट डिस्पोर्स मीडियम इट कंसिस्ट ऑफ कलर्स तो भी बता सकते हो आप तो ये सब चीजें उन्होंने क्या किया था अपने इस वाले डायलॉग में क्या किया था एक्सप्लेन किया था तो मैंने इतना कुछ पॉइंट क्या कर दिया आपके सामने ला के रखा है Failure of Huygens' theory.

सबको समझा गाइस सबको समझा ओ चलो, सबको समझा गाइस मजा में छो पब्लिक समझ में आ रहे ले क्या वेरी गुड वेरी गुड धन्यवाद धन्यवाद मंडल आपका आभारी है सुप स्वीट नाउ। एक सेकेंड हा वेरी गुड वेरी गुड अगले बढ़ाए ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट ये ड्यूअल नेचर के बारे में किसने बात किया था पता है ये डी ब्रॉगली ने बात किया था ये कंसेप्ट आपके बुक में है तो आपको बता दूं लाइट में दो नेचर होता है एक होता है पार्टिकल नेचर एक होता है वेव नेचर बस इतना बता देना है आपके बुक में इसके ऊपर एक चैप्टर है बेटा जी जब वो चैप्टर आएगा तो इस चैप्टर की अच्छे से ले लेंगे फिलहाल बस इतना जान के रखो कि लाइट दो तरीके से डील करता है एक पार्टिकल नेचर में और एक बेब नेचर में और टेंशन मत लो इसकी डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं इसका खुद का एक चैप्टर है एक चैप्टर है बेटा उस चैप्टर में हम इसको करके लेंगे ठीक है टेंशन ना लेना ठीक है सबको समझा इसका एक खुद का चैप्टर है चैप्टर में लेंगे इसके से ठीक है वेरी गुड वेरी गुड हाइजेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट अंकल ने क्या किया था दो सोर्स ऑफ लाइट अजूम किया था अपने हिसाब से अंकल कौन हाइजेन अंकल ने दो सोर्स ऑफ लाइट माना था ठीक है इधर ध्यान दो बेटा यहां ध्यान दो चैट मत करो चैट मत करो चैप्टर नंबर फोर्टीन में है चैप्टर नंबर फोर्टीन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर है वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे अभी बस इतना ध्यान दो ड्यूअल ऑफ नेचर ऑफ लाइट मतलब होता है लाइट कंसिस्ट पार्टिकल फॉर्म लाइट कंसिस्ट वेव फॉर्म इतना सब ध्यान रखो बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे गाइस चैट मत करो बस मेरी बात ध्यान करो लाइस गाइस प्लीज ध्यान दो आप ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है ध्यान दो पे वेरी गुड हाइजेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स तो ये वाला हाइजेंस का प्राइमरी सोर्स है ये वाला हाइजेंस का सेकेंडरी सोर्स है हाइजीन ने क्या किया था सोर्स ऑफ लाइट को दो भाग में डिवाइड किया था एक प्राइमरी करके और एक सेकेंडरी करके डिवाइड कर दिया था ठीक है तो इतना ध्यान दीजिएगा प्राइमरी में उन्होंने क्या बोला वो सब प्राइमरी सोर्स होते हैं जिनके पास खुद का लाइट होता है किसी के पास भोई भीक नहीं मांगते उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इन्होंने बोला दो टाइप के लाइट सोर्स होते हैं एक होता है जो खुद से लाइट जनरेट करता है और एक होता है जो लाइट लेके अपना काम करता है तो इन्होंने लाइट सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था इन्होंने बोला प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट प्राइमरी में उनको रखा जो खुद से लाइट इमिट करते हैं जो खुद खुद से को क्या करते इमिट करते जो खुछ से लाइट को इमिट करते हैं उन्हें प्राइमरी सोर्स बोला और जो दूसरों के प्रोड्यूस किए हुए लाइट पर मौज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं जैसे आपके पप्पा आपके पप्पा मम्मी आपके घर के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हैं वो आएगा तभी आप घर का खर्चा चलेगा लेकिन आप उस इनकम के सेकेंडरी सोर्स हैं आप उस पैसे का इस्तेमाल करते हो आप पैसा बनाते नहीं हो पैसा लाने कौन काम करता है आपके प्पा लाने काम करते हैं वो नहीं लाएंगे तो पैसा कहां से आएगा लेकिन आप उस पैसे का खर्च करते हो तो आप उसके सेकेंडरी सोर्स ऑफ हो गए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो ठीक है जिसको खर्च कर रहा है तो ध्यान दो प्राइमरी सोर्स ऑफ वो होते हैं जो लाइट खुद से इमिट करते हैं दे इमिट ये इमिट करते हैं और ये क्या करते हैं उसको रिसीव करके अपना काम करते हैं अपना काम करते हैं ठीक है क्या करते हैं बेटा अपना काम करते हैं क्या करके दे रिसीव वो उसको लेके अपना काम निकालते हैं और ये उसको अर्न करते हैं मतलब उसको उसको क्रिएट करते हैं फॉर्म करते हैं दे फॉर्म ये लाइट को क्या करते हैं दे फॉर्म लाइट तो वह सोर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? दे फॉर्म लाइट लाइट ये light को क्या करते हैं है, 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 है? काम करते हैं ठीक है थीके? तो इन दो सोर्स में लाइट को क्या करते हैं डिवाइड कर दिया था ठीक है ये चीज ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल सन हो गया स्टार हो गया एक्सेट्रा इनके पास खुद का लाइट होता है ठीक है एग्जाम्पल प्लेनेट ह्यूम एनिमल्स ये सबके पास खुद का लाइट नहीं है क्या मैं लाइट लेके चलता हूँ क्या मैं इसे देखता हूं तो लाइट मारता हूँ नहीं ना मैं लाइट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा काम होगा क्या तो मैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हूँ ठीक है ठीक है प्लेनेट क्या आपकी धरती मैया के पास खुद का लाइट है नहीं धरती मैया किसके लाइट पर अपना काम करती सन्नी भाई की लाइट आता है तो धरती मैया कहा सुबह हो, और शाम होता है ठीक है तो भाई ये सब जो चीजें हैं ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है और ये जो चीजें हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है इसका कौन बताया था इंफॉर्मेशन दिया था हमारे हाइजेन अंकल दिया ने दिया था किसने दिया था हाइजेन अंकल ने दिया था ये सुनो गाइस सैंडी ने बोला है सन्नी देती है लाइट गलत बात है सन्नी भाई सन्नी भाई बोलो ठीक है सबको समझा गाइस सबको समझा गाइस गाइस सबको समझा मजा में छे सबको समझ आ रहा बच्चों सबको समझा गाइस यार फोर सिक्स फोर्टी वन ही थम्सअप पहुंचा यार क्या गुंडा बनोगे यार क्या गुंडा बनोगे आप लोग कितना एनर्जी लगा के क्या मतलब बताओ हाँ क्या फायदा हाँ ठोको जरा ठोको 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 थम्सअप 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 पानी पी लेते हैं आप भी पानी पी लो थोड़ा सा पानी रहेगा तो गले में खरास नहीं आएगा मजा आ रहा कि नहीं तब तो तो बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है नॉट सिक्स फिफ्टी नाइन पहुंचा है मजा नहीं आ रहा है 663 सिक्सटी कम से कम आज टारगेट बना दो यार 1.5 का ओके वेरी गुड चलो आ जाओ हाँ चलो सबको समझा तो भाई साहब

प्लैनेट हो गए तो ये सब क्या होते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं तो इसका बंटवारा किसने किया था हमारे प्यारे हाँ ने ये सुनो सबको गाइस चलो अगला बड़ा वेव फ्रंट अगला क्या है फ्रंट अगला क्या है वेव फ्रंट ओके मजेदार टॉपिक है वेरी गुड वेरी गुड क्या बोलता है पब्लिक

ये मान लो कोई वो है स्विमिंग पूल है और यहां पर हमारा है अंडिया क्या बेटा आंड ठीक है आंडिया ने पत्थर फेंका है खचाक अंडा ने पत्थर फेंका खचाक से तो नीचे पत्थर धमांग ऐसे गिरा ठीक है और जब पत्थर नीचे गिरेगा तो जो पानी थे जो स्टील वाटर थे कैसा थे स्टील वाटर मतलब समझते हो रुके हुए वाटर थे वो क्या हो जाए डिस्टर्ब होंगे ऐसा डिस्टर्ब होंगे ना ऐसा ऐसा डिस्टर्ब डिस्टर्बेगा ऐसे भागेंगे ऐसे भागेंगे ऐसा नो ऐसे भागेंगे ऐसे से भागेंगे नहीं भागेंगे ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे ये डिस्टर्बेंस हर साइड होगा हर साइड ये नो ऐसे ऐसे हर होगा, सही बोलता है yes no? तो ऐसा वहाँ पर हो हो जाएगा, जाएगा इस ऐसे ऐसे और नॉट ये क्रिएट हो जाएगा ऐसे हर साइड कनेक्ट हो जाएगा ऐसा और नॉट तो इसी में ही क्या बनता है आपका वेव फ्रंट बनता है लेकिन आपको वेव फ्रंट अभी समझा नहीं मैं समझाऊंगा टेंशन लेना नहीं है पब्लिक इंस्टेंस देना है ध्यान दो यहां पर मैं ब्लैक पर दिखाता हूं कल्लू पे दिखाता हूं कल्लू अच्छे समझाएगा आपको चलो मान लो बेटा जी ये आपका ये अजूम करो हां ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है ये आपका क्या है सोर्स ऑफ लाइट अब आप सबको पता है हमारा सबसे बड़ा अगर सोर्स ऑफ लाइट कोई है तो कौन है कान कमें बताओ कमेंट में बताओ दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट कौन है हु इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इन द यूनिवर्स बताओ बताओ कौन है सन अरे मैंने हिंट दे दिया था ना तभी तो बताए ना चलो कोई बात नहीं सन्नी अरे 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 क्या बात है बेबी डॉल ओके तो भाई सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ठीक है सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड समझ में आ गया समझ में आ गया यस 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 ओके 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 भाई हां ओके okay. तो जो सन है सन का लाइट इमेज होता है मान लो सन के पास दुनिया भर का रे होता है लेकिन हम सर्व हर लाइट लेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे पगलाएंगे नहीं हम तीन ही लाइट लेंगे समझ लो तीन रे ऑफ लाइट एक रे ऑफ लाइट ऐसा ले लिया एक रे ऑफ लाइट इधर ले लिया एक रे ऑफ लाइट इधर ले लिया तीन रे ऑफ लाइट ले लिया ठीक है हम बेवकूफी नहीं करेंगे हम तीन रे ऑफ लाइट ले लिए और इस सन का जो लाइट है वो तीनों पे ट्रैवल करेगा ठीक है सर सन्नी के पास अब तीन ही लाइट होता है क्या नहीं उनके पास दुनिया भर का रे ऑफ लाइट होता है लेकिन दुनिया भर का नहीं ले लेंगे समझने के लिए हम मान लो दो या तीन रे रे ऑफ ऑफ लाइट लाइट ले लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग तो तो आई हैव कंसीडर थ्री होगा क्या सन का जो एनर्जी रहेगा ऐसे पास होगा ऐसे 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 पास होगा ऐसे पास होगा कि नहीं पास होगा सन का जो लाइट है ऐसे ऐसे पास होगा कि नहीं पास होगा बताओ पास होगा और आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं हमारे यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स में बहुत से स्मॉल स्मॉल लेयर्स हैं ऐसे ऐसे बहुत लेयर्स हैं इसे देयर आर दुनिया भर का लेयर्स ऐसे बहुत से लेयर्स हैं बेटा जी हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं ऐसे ऐसे लेयर्स हैं मतलब ऑर्बिटल के शेप में तो आपको पता है जब लाइट संदीप भाई से निकलेगा तो ऐसे 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 से यहां पहुंचेगा

हमारा सन्नी भाई था सन्नी का रेज ऐसे ऐसे आ रहा है और ऐसे जब नया ले, लेयर पड़ता है उस लेयर पे ऐसा ब्रांच बन जाता है ऐसा नया ब्रांच बन जाता है फिर ये ब्रांच वही काम करते हैं ये ब्रांच वही काम करते हैं जो हमारा सन्नी भाई करता था पहले क्या करता था लाइट को ऐसे आगे क्या करना रिफ्रेक्ट करना एंड क्या करना पास करना तो ये जो नया सोर्स बना है सन्नी भाई का ये भी लाइट को क्या करेगा पास करेगा कैसे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे 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 ये भी नया सोर्स ये भी काम करने लगेगा जो काम सन करता था वो काम अब नया सोर्स करने लगे फिर से जाके यहाँ पर नया नया क्या बन जाएगा आपका ब्रांच बन जाएगा ऐसे ऐसे दुनिया भर के तो ये सब इसके लिए ये क्या बन चुके हैं इसका वे फ्रेंड ये है और इनका वो फ्रेंड ये बनेगा और इनका वे फ्रेंड ऐसे आगे बनेगा इन लोग भी ऐसे आगे के क्या करेंगे ऐसे ऐसे रेस्ट करेंगे ऐसे ऐसे इनका भी आगे चल के ऐसे ब्रांच और चैन बनता जाएगा और इसी तरह से हमारा लाइट क्या हो जाता है ऐसा स्प्रेड होता है लाइट और ऐसे ब्रांच बनते हैं ऐसे ब्रांच तो इसका वे ये है इसका वे ये है और इसका वे ये बन जाता है लाइन ऐसे वेफ्रेंड बन के लाइट क्या करता है स्कैटर करता है गाइस क्या करता है स्कैटरिंग करता है क्या करता है स्कैटरिंग करता है जिसे हम प्यार से स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं तो क्योंकि एक ओरिजिन से लाइट ऐसे बहुत सी दूरी तक फैल जाता है अपना ब्रांच बना बना के ठीक है तो उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल रहता है तो किसका रहता है बेटा जी ये वेव फ्रंट का रहता है वेव फ्रंट बनते जाता है और लाइट ऐसे ऐसे आगे पहुंचते जाता है उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट क्या कहते हैं बेटा जी वेव फ्रंट कहते हैं क्या कहते हैं वेव फ्रंट कहते हैं सबको समझेगा इस सबको समझा सबको समझा गाइस अरे हाँ ना बोलो यार सबको समझा गाइस एक बार हा बोलो थम्सअप 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 थम्स थम्सअप 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 थमसम थप करो वेरी गुड ओके राजकुमार शाहरुजे देख लिया पोगो पोगो देख लिया तो सिंचेन देख लो बेटा अब सिंचेन जाओ देख, देख क्या हो जाओ वेरी गुड मस्ती करो दिल पे मत लेना आज आपको मैं रोस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूं डोंट टेक अट और पसलर ठीक है चलो सबको समझे गाइस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो सबको समझ में आ गया होगा वेव नंबर वेव नॉर्मल क्या होता है आपको पता है वेव नॉर्मल क्या होता है तो वेव नॉर्मल बता देता हूं मैं आपको पीछे आ जाऊ थोड़ा सा यहां पर क्या हो जाता है ये जो लाइन रहता है बेटा लाइन जो रहता है यहां पर ये यह जो आपका लेयर्स रहता है आपके यूनिवर्स में ऐसे लेयर्स रहते हैं ऐसे ऐसे इस लेयर्स के ऊपर जो यहां पर आपका वेव फ्रंट बनता है वो परपेंडिकुलर बनता है कैसे बनता है परपेंडिकुलर बनता है लेयर्स के ऊपर जो बेव फ्रंट बनता है ना ऐसा जो आ रहा है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनता है ठीक है जो ऐसे आता है ना ऐसा परपेंडिकुलर आपका यहां पर क्या बनता बनता है लेयर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर रहता है परपेंडिकुलर और इसी परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं वेव नॉर्मल कहते हैं क्या कहते हैं वेव नॉर्मल कहते हैं वेव नॉर्मल कहते हैं जो कि यहां पर कंसेप्ट दिया गया है वेव नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट रहता है बेटा उसका जो डायरेक्शन रहता है उस लेयर लेयर के के ऊपर जो जिसके ऊपर लेकर फ्रंट बनता है उसके ऊपर कैसा परपेंडिकुलर रहता है उसे हम कहते 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 हैं 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 वेव वेव नॉर्मल नॉर्मल क्या आ जाओ अगला प्रिंसिपल फिर से हाइजेंस आ गया हाइजेंस हमने इतने अच्छे से लिए फिर से आ गया बंदा ओके हाइजेंस प्रिंसिपल हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल अंकल हाँ ने क्या बोला था देखो यहाँ पर ही पता है चल हटा रहे बता मत बाप को मत सिखा सीखा कॉल इधर मीडियम कुछ भी मत बोल झूठ मत बोल आगे चल के तुला बहुत कट गया था पता है लोगों ने काट दिया था बोलता नहीं गलत भाई ऐसा कोई मीडियम ही नहीं होता है तुमने बरबर बताया ऐसा हुआ था

अरे हां ना बोल यार फटाफट थम्स सब फेक यार लौकर लौकर कर यार 699 क्या गुंडा बनोगे यार तुम लोग हां 700 पहुंचा अब तक 437 पब्लिक वाचिंग एंड अज्जू भाई के बेइज्जती करिंग 700 ओनली थम्स अप दिखें गलत के बेइज्जती कर रहे हो भाई गलत बेइज्जती कर रहे हो आप लोग वेरी गुड सबको समझे भाई सबको मजा आ रही है आर गाइस एंजॉयिंग दिस ऑल माय बच्चा पार्टी एंजॉयिंग हियर वेरी गुड वेरी गुड चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस मैं आपको बता दिया हूं, के जब होता है तो देखो आई और आर क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं ध्यान दीजिएगा और इसके बारे में उन्होंने और आगे चल के बात किया था एक रे नहीं लिया था दो रे लिया था ऐसा मान लो एक रे के साथ ऐसा में पता है दो रे हो गया तो ऐसा तो मान लो ऐसा नॉर्मल रे हो गया आपका नॉर्मल लाइन हो गया या आपका प्लेन सरफेस हो गया या आपका एक लाइट इधर एंगल तो इधर इधर तो आई इक्वल टू एंगल आर रहेगा यह आपको पता होना चाहिए तो उन्होंने बताया था चाहे जितना आते हैं, अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो रिफ्लेक्शन में उनका एंगल ऑफ आई इक्वल रहेगा एंगल आर ये कौन बोल रहा है ये हमारे अंकल ने बोला था कौन अंकल हाइजन अंकल ने बोला था कौन बोला था हाइजन अंकल ने बोला था कि भाई एक साथ कितना भी रे आने दे एक आने दे दो आने 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 दे चार आने दे दे तीन चार सब जितने एंगल एंगल पे पे आएंगे उतने यहां से क्या होंगे गपचुप निकलेंगे ठीक है और सबका क्या रहेगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रहेगा ये इसमें उन्होंने बताया था ये चीज ध्यान दीजिएगा ठीक है घबराना नहीं आपको चलो अगला लेते हैं इंटरफेरेंस आ गया बच्चा इंटरफेरेंस आ गया आपका अगला कंसेप्ट आपका अगला कंसेप्ट इंटरफ्रेंस आ चुका है चलो इंटरफ्रेंस क्या होता है सेम फेस आर अराइविंग ऑन द सेम पॉइंट सो दैट अदर जब एक जैसे लाइट वेव एक ही पॉइंट पर आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो उसे क्या कहते हैं इंटरफेरेंस कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं कब बनेगा जब दो लाइट ऑफ एक एक फ्रीक्वेंसी जब दो लाइट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे ऐसे से आके धड़ाम से मिलेंगे तो वहां पर इंटरफेरेंस होगा इंटरफेरेंस मतलब होता है एक तरीके से सुपर पोजिशन होता है क्या होता है सुपर पोजिशन कहते हैं इंटरपोजिशन इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं सुपरपोजिशन कहते हैं और सुपरपोजिशन का कांसेप्ट मैंने आपको बताया है जिसे साउंड में बताया था वैसे ही आप लाइट में समझ लीजिए जब दो पार्टिकल ऐसे ऐसे आकर टकराते हैं एक पॉइंट पे जब मिलते हैं कुछ-कुछ करते हैं तो इसे सुपरपोजिशन कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं इंटरफेरेंस कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इंटरफेरेंस कहते हैं क्या कहते हैं इंटरफेरेंस कहते हैं टाइप ऑफ इंटरफरेंस कितना होता है टाइप ऑफ इंटरफरेंस टाइप ऑफ इंटरफरेंस बेटा ध्यान दो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है इंटरफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव एक होता है कंस्ट्रक्टिव एक होता है डिस्ट्रक्टिव यह ध्यान दीजिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस द क्रिस्ट द क्रेस्ट इज अलोंग विथ क्रिस्ट एंड ट्रफ इज अलोंग विथ ट्रफ then the process is become maximum and form the bright light. Constructive interference जब होता है तो light bright बनता है। क्या बनता है? Light bright बनता है और उनका intensity high हो जाता है। sir कैसे? मैं बताता हूँ इधर। मान लो दो light wave हैं। एक light wave ऐसा जा रहा है, हेल्ले 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 हेल्ले, ठीक है? और एक लाइट wave ऐसा जा रहा है, हेल्ले 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 हेल्ले। दोनों एक जैसे जा रहे हैं जब दोनों आपस में मिलेंगे मतलब कैसा ये क्रिस्ट वाला क्रिस्ट के साथ मिल जाए ये ट्रफ वाला ट्रफ के, के साथ मिल जाए ये क्रिस्ट वाला क्रिस्ट के, के साथ मिल जाए ट्रफ वाला ट्रफ के साथ मिल जाएगा कहा जाए ठीक है मतलब सेम बंदे अगर सेम बंदों के साथ मिल जाएंगे और बॉन्ड बनाएंगे कैसा वाला जब बॉन्ड बनाएंगे इनका तो ऐसा बड़ा सा बॉन्ड बनेगा हेल्ले बड़ा वाला बनेगा इनका बड़ा बड़ा बनेगा उनका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा ठीक है

ट्रफ के साथ हो, तभी जाके वहाँ पर ब्राइट लाइट बनेगा, और उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे ठीक है आ जाओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होता है उसका उल्टा होता है कंस्ट्रक्टिव का उल्टा डिस्ट्रक्टिव होता है कंस्ट्रक्टिव में क्या था क्रिस लफड़ा करेगा क्रिस के साथ और ट्रफ लफड़ा करेगा ट्रफ के साथ लेकिन यहां पर उल्टा है क्रिस लफड़ा करेगा ट्रफ के साथ और ट्रफ लफड़ा करेगा क्रिस के साथ मतलब यहां पर ऐसा होगा इसकी वाले इसके इसका वाला इसका इधर ना ऐसा हो जाएगा ठीक है गलत बात है तो यहां पर लफड़ा उल्टा हो जाएगा जिसके वजह से इनका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा भाई एक प्लस एक माइनस हो जाएगा और इनका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा तो लाइट कैसा बनाएंगे लोग डार्क बनाएंगे क्या बनाएंगे डार्क क्योंकि जब अपोजिट अपोजिट जब पार्टनर मिलते हैं तो वहां लाइट हमेशा डार्क हो जाता है लाइट में डार्क लाइट में लफड़े नहीं होते फिर डार्कनेस में लफड़े चालू हो जाते हैं ठीक है थीके? समझ लो मेरी बात तो ध्यान डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाता है डिस्ट्रक्टिव में क्रिस ट्रफ के साथ लफड़ा करता है और ट्रफ क्रिस के साथ करता है जिसके वजह से उनका इंटेंसिटी क्या हो जाता है कम हो जाता है और कम होने की वजह से उनमें कुछ दम नहीं रहता है और वहां पर लाइट कैसा हो जाता है डार्क हो जाता है सबको समझा गाइस सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार सबको समझ में आया क्या समझ में आ क्या पब्लिक समझ में आया क्या हा क्या बोलती पब्लिक समझ में आया क्या आफरीन सैयद अब मैं आपको क्या बोलू समझेगा बेटा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो आपको समझेगा वेरी गुड राजकुमार साहु रजे मैं आपकी बेचती नहीं कर रहा था wow, पढ़ते रहो मां बाप का नाम रोशन करते रहो और हाँ जब भी मौका मिले तो अज्जू भाई को एक बार लाइफ में जरूर याद करना और ये कोशिश करना कि अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है तो आप मेरे सीख का फायदा उठाओ और दूसरों की भलाई करो दूसरों को भी शिक्षा दो क्योंकि मैं टीचर हूं तो आप भी टीचर बन सकते हो क्योंकि मैं भी किसी का देख के टीचर बना हूं ठीक है चलो वेरी गुड समझा बेटा तो ध्यान देना यहां पर अगर क्रिस्ट देखो मान लो देखो ऐसा ऐसा होता है यहां पर क्या होगा पता है ये क्रिस्ट ये ट्रफ ये क्रिस्ट ये ट्रफ ये क्रिस्ट ये क्रिस्ट रहता है ये ट्रफ रहता है ये क्रिस्ट रहता है ट्रफ रहता, रहता है और यहां पर दो बेबले ले दो बेबले लेते हैं क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ इस केस में क्या होता है दो लाइट पार्टिकल इसका होगा ट्रफ के साथ और ट्रफ करेगा क्या तो ये सब भाई तभी होगा तभी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा विनाशकारी विपरीत बुद्धि ठीक है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उनका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा और वो मिनिमम हो जाएंगे और लाइट डार्क प्रोड्यूस करेंगे ठीक है चलो आला रे आला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आला तनवीर मेहंदीस 38 सर मोबाइल टीवी से कनेक्ट किया है ओहो क्या बात है मतलब पारिवारिक मजा ले रहे हो वेरी गुड एंजॉय करो पढ़ाई करो मम्मी पापा का नाम रोशन करो अगर आपके मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं तो दिल से प्रणाम ये बोलूंगा कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना लेक्चर अच्छा लग रहा तो एंजॉय करना वेरी गुड गौसियम खान ले लिया आपका नाम खुश हो जाओ मुझे चॉकलेट दे देना हाँ, ओके अजू भाई का लेक्चर हो एयरफोन कतई हाँ, ओके ओके फाइन मजा आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके 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 वेरी गुड वेरी गुड चलो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं फटाक से अंकल ने क्या किया था देखो यहां पर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाऊंगा लेकिन एक्सपेरिमेंट की मैं खोल के रख देता हूं यहां पर एक्सपेरिमेंट में था क्या ठीक है ओके okay, मैं एक्सपेरिमेंट दिखाने जाऊंगा बहुत समझ जाएगा ऑलरेडी मैं बहुत कल लेट हो गया था आज भी मेरा सेशन है बेटा मेरा डेली आपको बता देता हूं मेरा डेली ध्यान दो सेवन को मेरा क्या रहता है ऑफलाइन लेक्चर रहता है क्या रहता है ऑफलाइन लेक्चर रहता है क्लास में ठीक है क्लास का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो क्या है अलाउ नहीं है बताना क्योंकि यहां से नहीं कर सकते हो ठीक है तो दैट्स द रीजन कि मुझे फटाफट -फड़ चलना है लेट हो जाऊंगा फटाफट लेते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में खोल के रख देता हूं यंग्स नाम का कोई बंदा था हाँ तो उन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने पहले क्या किया था एक सोर्स लिया था सोर्स ऑफ लाइट, एक लिया था, कोई लिया, आप सोर्स कोई जरूरी कैंडल ही लो आप टॉर्च भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो ठीक है और उसके सामने छोटा सा एक स्लिट लिया था स्लिट में ऐसा होल किया था इस होल से लाइट ऐसे क्या हो रहा था लाइट ऐसे से पास हो रहा था

क्या पता चला भैया ब्राइट लाइट क्या डार्क लाइट का पता चला डार्क लाइट का पता चला था ठीक है अब वही मैं बताऊंगा कि ब्राइट लाइट कब बनेगा और डार्क लाइट कब बनेगा तो बता देता हूँ जब मान लो ये क्रिस्ट है ओके मैं अगर ऐसा कंटिन्यू लाइन बनाया मतलब क्रिस्ट है और ऐसा लाइन बनाया मतलब ट्रफ है ठीक है ये मान लो क्रिस्ट का लाइन है किसका लाइन है क्रिस्ट का और ये लाइन किसका है ट्रफ का लाइन है ठीक है तो ऐसा उन्होंने दो लाइन अजूम किया था एक डॉट डॉट लाइन और एक फुल लाइन ऐसा किया था उन्होंने या कंटिन्यूस लाइन कंटिन्यूस लाइन को टकराता है, है। मतलब क्रिस क्रिस को यहाँ क्रिस क्रिस को चिपका चिपकी कर रहा है और यहां ट्रफ ट्रफ को चिपका चिपकी कर रहा है लेमेन खेल रहा है ठीक है ठीक है तो मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो वहां पर भाई साहब लाइट कैसा होगा ब्राइट होगा क्या होगा ब्राइट ब्राइट लाइट कैसा होगा होगा लेकिन अगर ऐसा हो जाए एक कंटिन्यूस लाइन और एक डॉटेड लाइन ऐसा टकराने लगे तो वहां पर भाई ब्लेसबियन या कुछ अलग खतरनाक काम हो जाएगा और उसके लिए लाइट डार्क होना पड़ेगा जरूरी है नहीं तो हंगामा हो जाएगा तो लाइट आपका डार्क हो जाएगा डार्क कब होगा जब एक क्रिस्ट रहेगा तो एक ट्रफ रहेगा तब लाइट डार्क हो जाएगा अब जब भाई दोनों वैसे रहेंगे तो सब लोग उसको उसको इग्नोर करेंगे ए ले क्या कर कर तू तो वैसा हो जाएगा उसको कर देंगे लाइट ब्राइट रहेगा लेकिन इसको हंगामा करने के लिए लाइट डार्क होना जरूरी है यहां पर इंटेंसिटी आपको मिनिमम मिलेगा क्या मिलेगा मिनिमम और यहां पर इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा सबको समझा तो यही था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबको समझा जब एक जैसा जब आपस में टकराएंगे तो हाई इंटेंसिटी ब्राइट लाइट देखो यहां पर एक जैसा टकराएंगे तो हाई इंटेंसिटी ब्राइट लाइट लेकिन जहां पर दो अपोजिट मिले तो उनको डार्क अंधेरा करना पड़ेगा तभी उनको वो वो हो होगा ठीक है तो लो इंटेंसिटी सबको समझा गाइस सबको समझा गाइस अंडरस्टूड दिस सबको समझे हाँ हा हा एम टी क्लास यम टी महेश ट्यूटोरियल वेरी गुड सबको समझा मजा आ रहा था मजा बच्चो पब्लिक यार सेवन फोर्टी थ्री हुआ यार क्या गुंडा बनोगे यार तुम लोग है छे? ओके सानिका देंगे मैंने आपका नाम ले लिया मेरे नाम लेने के बाद आप चॉकलेट बच्चों में बांट देना छोटे छोटे बच्चों में अकेला मत खा लेना चलो ओके पार डिफरेंस बच्चा पार डिफरेंस पार डिफरेंस ओके 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 सर माय पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ द की लाइक योर टीचिंग वे डू यू नो मी सर माय पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू दे लाइक टीचिंग वे धन्यवाद धन्यवाद मंडल आपका भारी है मम्मी पापा को मेरा प्रणाम और स्नेह बोलिएगा जहां भी आप मुझे देख रहे हो मेरी तरफ से आपको बहुत 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 नमस्ते प्रणाम चलो आज बेटा अगला टॉपिक क्या है पार डिफरेंस फॉर नॉ क्या है एंड ब्राइट एंड पार डिफरेंस फॉर एंड डार्क देखो इसके ऊपर ऊपर एक में आप लोग कर बहुत सिंपल है 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 क्या क्या पता के मतलब या विथ करके ऐसा रहेगा करना है। उसमें क्या करना रहेगा ऐसे हमें दो लेना है ऐसा ऐसा कर लेना आप लोग ऐसा एक सोर्स यहाँ पर, पर इनके बीच में तो, आपका एस वन सोर्स एस टू सोर्स इनके बीच का डिस्टेंस होता है डी और इनका यहाँ पर समझ लो ये दोनों सोर्स मिलके इस आपका स्क्रीन है आपको ये स्क्रीन स्क्रीन है का इधर से इतना से इतना इतना लाइट क्या हो रहा है इतना लाइट ब्राइट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर मान लो कोई टॉर्च लगा दिया है यहाँ पर यहाँ पर कोई टॉर्च लगा दिया है टॉर्च के फोकस से इतना ये रोशनी है तो इस इस पॉइंट पे कितना रोशनी है इस पॉइंट पे कितना रोशनी है उस पॉइंट के रोशनी के डिफरेंस को आपको निकालना है ठीक है तो इस तरह से एक डेरिवेशन है इसको ऐसा आप करके कर लीजिएगा ठीक है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है एक पॉइंट क्लियर करना है तो आपको क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के आप कर लोगे जो कि बहुत आसान है आपको पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा ठीक है पार्ट डिफरेंस निकालने का मैंने कुछ शॉर्टकट बताया है इसको ध्यान दीजिएगा पार्ट डिफरेंस फॉर एंथ ब्राइट अगर आपको ब्राइट लाइट के बीच का पार्ट डिफरेंस पता करना है तो ये फॉर्मला याद कर लीजिएगा आप जो मैंने डेरिवेशन का नाम बता जो यहां पर डेरिवेशन बता रहा था जो मैं डेरिवेशन डेरी बता रहा था वो डेरिवेशन जब करोगे तो आपको पार्ट डिफरेंस का यही फॉर्मूला आएगा एक्सडी अपॉन डी आएगा ठीक है बहुत आसान है आप कर सकते हो ठीक है अगर वो सब करूंगा तो लेक्चर हो नहीं पाएगा लेक्चर तो बड़ा हो जाएगा तो एच डी अपॉन डी इक्वल टू एल लेमडा ये आपका पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है किसके लिए ब्राइट लाइट अगर कोई पूछे कि ब्राइट लाइट के बीच का अगर डिफरेंस मुझे निकालना है वो कि जब भाई यहाँ पर ऐसे क्रॉस क्रॉस होता है तो बहुत सारे बहुत सारे ब्राइट लाइट होते हैं बहुत सारे ब्राइट लाइट रहते हैं ठीक है तो के ब्राइट, बीच ब्राइट में है को, तो कैसे निकालोगे? तो आपको ये चैन बनते हैं तो आपको कौन से चैन पे ब्राइट लाइट निकालना है उस चैन को पुट कर देने का एन की जगह पे आपको उस चैन का क्या मिल जाएगा ब्राइट लाइट का डिफरेंस मिल जाएगा ऐसा कर सकते हो अगर आपको ब्राइट लाइट का ब्राइट ब्राइट के साथ डार्क uh, लाइट का अगर आपको डिफरेंस निकालना है पार्ट डिफरेंस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा और वहां पर यन वन टू थ्री ऐसा पुट करके आप उस पर्टिकुलर uh, उस पर्टिकुलर बैंडविथ पर क्या कर सकते हो उस पार लाइट के डार्क uh, लाइट के डिफरेंस को क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो

लाइट इंटेंसिटी क्या होता क्या है लाइट इंटेंसिटी किसके ऊपर अंडिया है ये कौन बेटा अपना अंडिया है और यहाँ पर टॉर्च जल रहा है क्या जल रहा है टॉर्च क्या जल रहा है टॉर्च जल रहा है इसके ऊपर टॉर्च जल रहा है ठीक है अब ये अंडिया इसके काफी नजदीक है तो अंडिया के चेहरे पर लाइट क्या रहेगा जो लाइट रहेगा उसका इंटेंसिटी क्या रहेगा ज्यादा रहेगा लाइटिटी ज्यादा रहे क्योंकि यहां पर जो आर है बहुत नजदीक है लेकिन यही केस को मैं बढ़ा देता हूं टॉर्च टॉर्च आपका आपका यहीं पर रहेगा आपका ही रहेगा लेकिन हूँ यहां पर आ चुका है तो आप बताओ क्या इंटेंसिटी वही रहेगा नहीं यहां पर आर बढ़ चुका है तो लाइट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगा लाइट क्या हो जाएगा लाइट इंटेंसिटी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कम, हो जाएगा, कम. क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है और डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डॉपलर एंकल ने बताया था क्या बताया था कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होते हैं एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं भाई साहब क्यों क्योंकि आप नजदीक रहोगे और सोर्स के तो आपके ऊपर इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा आएगा आप सोर्स से दूर जाते रहोगे मतलब वेबलैथ बढ़ा दोगे तो आपके ऊपर फ्रीक्वेंसी का असर कम आएगा जैसे कि मान लो ऐसे साउंड में भी होता है साउंड में जैसे कि हम जैसे कि आप किसी रोड पे खड़े हो आपके पास एंबुलेंस आ रहा है तो जब एम्बुलेंस आपके नज़दीक आएगा मतलब दूरी कम होगा जब दूरी कम होगा आपके एम्बुलेंस के बीच का तो उसका साउंड का आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगा बहुत नजदीक आ जाओगे डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो साउंड का लाउडनेस बहुत बढ़ जाएगा लेकिन एम्बुलेंस आपको छोड़ के आपको लेने नहीं आया था बंडिया को लेने आया आयामथ ठीक है तो वैसे आपको छोड़ के आगे बढ़ गया जैसे दूर दूर जाएगा फिर से उसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा साउंड का वाइब्रेशन कम सुनाई देगा आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एम्बुलेंस बहुत दूर चला जाएगा मतलब आप और एम्बुलेंस के बीच का दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर उसका साउंड आपको बहुत कम सुनाई देगा क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा मतलब इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है याद कर लीजिएगा ठीक है चलो अगला इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर के स्क्वायर अपर्चर मतलब होता है मान लो यहाँ पर ध्यान दो जैसे मान लो आपका स्लिट है या आपका स्लिट है ये जो अपर्चर होता। पास हो यह बड़ा है। अगर होल मैंने छोटा कर दिया छोटा सा कर दिया टिंगना सा कर दिया ठीक है तो जब यहाँ पर लाइट जलाऊंगा इसका लाइट इसका लाइट जो रहेगा ज्यादा पास नहीं हो पाएगा तो ज्यादा लाइट पास करना है तो, तो ये अपर्चर क्या होना चाहिए आपका बड़ा होना चाहिए

किस लॉ से लॉ तो यहाँ नहीं लगेगा लेकिन अगर आपको इसको क्या करना रिलेट करना है तो रिलेट कर सकते हैं जीरोथ जीरोथ लॉ लॉ के साथ का पता है आपको कौन सा लॉ था आपको और अगर लो, भी क्या लगेंगे फ्रेंड लगेंगे नहीं लगेंगे तो इसी हिसाब से ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है तो इन दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे समझा तो ऐसा कर सकते हो दे विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल क्योंकि उनका कॉमन इंटेंसिटी था और yes नो no? चलो अब इसको आप क्या कर सकते हो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दिया अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो चलो बैंडविथ क्या होता है बैंड मतलब कोई जो रे होता है रे में कितना विजिबिलिटी है मतलब कितना मैक्सिमस तो बैंडविथ पता चल जाएगा? जाएगा क्या पता जाएगा बैंडविथ पता चल जाएगा ठीक है और एक बैंडविथ आपके लेमडा के ऊपर डिपेंड करता है लेमडा ज्यादा ट्रेवल करेगा तो उसका मैक्सिमम रेंज तो बढ़ेगा लेकिन उसका जो इंटेंसिटी रहेगा वो घट जाएगा ठीक है तो ध्यान दीजिएगा बैंडविथ बताता है कितना

ऐसा ऐसा क्या किया एक फुल किया है यहाँ पे फुल किया है फिर मैंने क्या किया डॉट डॉट किया है फिर से डॉट डॉट किया है फिर से फुल किया है फिर से फुल किया है तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ये दिख रहा है सेम सेम लाइट हुआ सेम सेम जहाँ सेम सेम होगा ब्राइट होगा अब यहाँ पर देख लो आप यहाँ पर यहाँ पर सेम सेम नहीं है एक डॉट डॉट है एक क्या है ये आपका रेगुलर है तो ये क्या हो गया ब्राइट हो गया ये हो गया आपका डार्क ठीक है अब यहां पर देखो सेम सेम हो गया तो ये क्या हो गया आपका ब्राइट फिर यहां देखो ठीक है समझा कि नहीं समझा तो ऐसे बढ़ते जाएगा फिर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आगे चेक कर सकते हो ऐसे बहुत सी चीजें रहेंगे ब्राइट डार्क ब्राइट मतलब ब्राइट कब होगा जब मैक्सबा होगा मैक्सी मीनी मैक्सी मीनी मतलब ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मतलब मैक्सी मिनी मैक्सी मिनी मैक्सी मिनी मैक्सी मिनी मैक्सी मतलब मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा अगर इसी पैटर्न में लाइट क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है ऐसा ठीक है अगर ऐसे बढ़ रहा है तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं स्टेडी इंटरफ्रेंस कहते हैं और यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो स्टेडी इंटरफरेंस को शो कर रहा था अगर आपके पास बुक रहेगा बुक में देखिएगा आपको मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा इसी पैटर्न मिलेंगे मैक्सिमा कब मिलेगा जब दो एक जैसा आपस में कटेंगे चाहे ऐसा कट रहे हैं चाहे ऐसा ऐसा डॉट डॉट कट रहे हैं तब जाके आपको मैक्सिम मिलेगा मिनिमा कब मिलेगा जब एक रेगुलर रहेगा और जब एक डॉट 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 रहेगा तब आपका मिनिमा मिलेगा ये चीज ध्यान दीजिएगा ठीक है चलो अगला बिना डायफ्रैक्शन मजा रहा रखा मजा आ रहा है पब्लिक मजा आ रहा है हेलो हेलो बहुत चैट आपका बहुत नीचे हो गया एक सेकेंड सबको मजा रहा है गाइस सबको मजा रहा है गाइस ओके चलो अगला बिना डायफ्रेक्शन इसकी लेंगे तो हस ले ले ना, इसको अच्छा लेंगे। तो ऑफ लाइट क्या होता है? है आपको पता ये कोई टॉर्च है, को टॉर्च से लाइट जा रहा है यहां पर कोई छेदा है छेदे में से टॉर्च रोशनी आप ऑन करोगे तो लाइट ऐसे और ऐसे क्या हो जाता है फैल जाता है ऐसे लाइट जलता है तो लाइट ऐसे फैलता है लाइट जब जलता है तो ऐसा नहीं जाता है ऐसा कौन जाता है ऐसा लेजर लाइट जाता है लेजर लेजर फैलता नहीं है लेजर स्ट्रेट जाता है लेकिन अदर जो लाइट रहते हैं जाते हैं तो है। फैल जाते हैं घच्छा आग ठीक है तो उसे क्या कहते हैं बेंडिंग कहते हैं और बेंडिंग किसके वजह से होता है इसके कॉर्नर के वजह से किसके वजह से कॉर्नर यहाँ कॉर्नर रहता है ना उसे टकरा के लाइट बेंड हो जाता है और लाइट के इस हरकत को क्या कहते हैं डायफ्रेक्शन कहते हैं टेकर है, तो है? है, तुम्हारा हम सबका शैडो बनता है क्योंकि जब लाइट आके टकरा के चला जाता है तो पीछे लाइट जा नहीं पाता है तो पीछे क्या हो जाता है हमारा शैडो बन जाता है ठीक है तो शैडो बनने के पीछे किसका हाथ है डायफ्रेक्शन का हाथ होता है ठीक है ध्यान दीजिएगा टाइप ऑफ डायफ्रेक्शन मार्केट में दो टाइप से मिलेंगे एक फ्रेजनल मिलेगा रुक भाई रुक एक फ्रेजनल मिलेगा एक फ्रोन ऑफर मिलेगा ध्यान दीजिएगा एक फ्रेजनल मिलेगा एक फ्रोन ऑफर मिलेगा दो टाइप के हैं ठीक है अगला ये फ्रेजनल ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने क्या किया था स्लिट को स्लिट में समझते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो ऐसा होता है ना ऐसा जो होल रहता है यहां पर लाइट रखते हैं ठीक है तो इसको मतलब दो स्लिट को नजदीक रखा था एक स्लेट, एक स्लेट वन था, एक स्लेट टू था, इसको नजदीक रखा था उसके ऊपर तो क्या, क्या रखा था वो स्टडी करने के लिए जो स्लिट रखते हैं जहां पर लाइट इंटरफ्रेंस करके आगे बढ़ता है उसको क्या रखा था इनफेनाइट पर रखा था ठीक है लाइट एक्सपेरिमेंट करने के लिए चलो ये ध्यान दीजिएगा ब्राइट पाथ देखो अब इसके अंदर डिफरेंस निकालना है अकॉर्डिंग इंटरफरेंस वाला जो डिफरेंस था आपने देख लिया था ये डिफरेंस ऑफ पार्ट डिफरेंस किसका है ये जो बेटा का का नहीं, का है, ठीक है तो डायफ्रेक्शन में अगर आपको तो आप लगाइएगा अगर इसमें आपको डार्क लाइट का अगर आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है तो टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू लगाइएगा

डार्क और मैक्सिम समझते क्या दिया था मैक्सिमा है. है? तो ये? ये और ये फॉर्मुला कर लीजिएगा याद और इससे आप क्या कर सकते हो अपना बैंडबित निकाल सकते हो फ्रोनॉफर के एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है तो इसका पढ़ाई कर लीजिएगा तो इस तरह से हमने क्या कर दिया चैप्टर की खत्म कर दी चैप्टर कैसा था मुझे जरूर बताइएगा ये सोनो तो मैं बोलना चाहूँगा बेटा थैंक यू क्योंकि मुझे फटाक से जाना है लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा ठीक है थैंक यू गाइज फिर मिलेंगे कल अच्छे से आप लोग डिग्रिप्शन का पार्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा कल न्यूमेरिकल करेंगे एमसीक्यू के साथ और चैप्टर कैसा लगा न्यूमेरिकल ये चैप्टर कैसा रहा आप कमेंट करके जाइएगा तब तक के लिए बाय बाय हंसते रहो मुस्कुराते रहो बाय